उसके बाद क्वेश्चन क्या था आपका? एक बॉक्स में जो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फोकल लेंथ दिया है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको, फोकल लेंथ पूछी है कॉन्वेक्स मिरर की। ये सॉल्व कर पाएंगे? आपको कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना, 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पूछी है, हो जाएगा मैम 16 यस 16 सेंटीमीटर। आर बाय टू दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो कहाँ होगी, मिरर के बिहाइंड होगी, राइट साइड में होगी। ठीक है, नेक्स्ट यस। है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। व्हाट इज, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? ये क्वेश्चन हो जाएगा। मुझे जो डेटा गिवन है, अच्छा चलिए इतना तो आप बता सकते हैं कि जो कुछ भी आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है वो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या गिवन है आपको, कैसा मिरर गिवन है, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव, कॉनकेव और क्या गिवन है, फॉर्म्स थ्री थ्री टाइम्स बिगर इमेज देन थर्टी टाइम्स एनलार्ज्ड रियल इमेज। 3 टाइम्स एनलार्ज्ड रियल इमेज से मतलब क्या है? 10 मैम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स ऑब्जेक्ट बड़ी प्लेस्ड इमेज है। ऑब्जेक्ट इसका प्लेस्ड मतलब एट 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन क्या है, 3 है। क्यों 3 है? ठीक क्योंकि 3 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज यानी एच डैश अपॉन एच, वो क्या है, एच डैश यानी इमेज जो है वो 3 टाइम्स है आपके ऑब्जेक्ट की हाइट के। तो अगर इसको मैं एच को यहाँ रख दूंगी तो ये बराबर, ये यही पता चल रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उससे 3 टाइम्स बड़ी क्या है, आपके इमेज है। ठीक है, यही चीज तो दे रखी है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन आपको कितना दिया है, आपको ठीक 3। फाइन, इससे ये चीज पता चलती है। बट आपको कैसी इमेज बता रहा है, 3 टाइम्स एनलार्ज रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा किस तरफ बनती है कॉनकेव मिरर के केस में, नीचे इन्वर्टेड होती है। तो ऐसे में लेफ्ट साइड मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, माइनस माइनस थ्री एच डैश अपॉन एच होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी इन्वर्टेड। रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज बन रही है यानी वो लेफ्ट साइड में बन रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, -3 ले रहे हैं। रियल इमेज बोला था कॉनकेव मिरर से 3 टाइम्स एनलार्ज रियल इमेज बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एनलार्ज तो 3 टाइम्स से 3 रख दिया, मगर रियल की वजह से हमने माइनस साइन रखा है क्योंकि रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन दी लेफ्ट साइड फ्रॉम दी पोल। ठीक है, इसलिए माइनस रखा। अब आपको क्या पूछा है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट मिरर, साइज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट का, किसे डिनोट ऑब्जेक्ट करते साइज ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से डिनोट करते हैं, और यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव माइनस होता थ्री नेगेटिव है। नेगेटिव हाँ, नेगेटिव अब आपको पूछा है कि आपकी इमेज कहाँ पर होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी आपको क्या पूछा है, वी पूछा है। ठीक है, तो वी डायरेक्ट फॉर्मूले से आप यूज करोगे मैग्निफिकेशन वाले, यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको रख दोगे -3, और -v आपको पता ही करना है, और u कितना हो जाएगा, -10, माइनस माइनस कैंसिल, ये 10 इधर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई कर पॉजिटिव v इज इक्वल टू -30 -30 इज इक्वल टू v, सेंटीमीटर। यानी -30 सेंटीमीटर क्या बता रहा है कि v की वैल्यू अगर डिस्टेंस माइनस ऑफ है इमेज तो कैसी इमेज बन रही है,
रियल इमेज बन रही है, और रियल तो आपको क्वेश्चन में दिया ही था कि इमेज कैसी है, रियल है। तो ये माइनस वैल्यू ये शो कर रही है कि आपका आंसर सही है, क्योंकि रियल इमेज तभी बनेगी जब आपकी वी की वैल्यू माइनस में आएगी कॉनकेव मिरर के केस में। ठीक है मैम? यस बेटा। मैम आप एक बार सारी फॉर्मूलाज रिवाइज करा सकते हैं? क्या हुआ, मिसप्लेस्ड? यस मैम। मिस हुआ था क्या, फॉर्मूले मिस हो गए क्या चीज? मैम थोड़ा मिस हो गया था, ज्यादा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था उसमें। आप दो तीन ही तो फॉर्मूले पढ़े हमने, एक तो हमें रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशन पढ़ा है, ठीक है, एक मिरर फॉर्मूला पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/f = 1/b + 1/u। फिर हमने मैग्निफिकेशन बोला था, मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, h dash is height of image and h is the height of object. जब हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और इसी के लिए हमने, अगर हमें हाइट ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट नहीं पता हो, तब हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज से भी कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, माइनस वी बाय यू, माइनस वी बाय यू यूज करते हैं। ठीक है, यही हमने पढ़े हैं, इसके अलावा तो कोई और फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। और बाकी आपके जो केसेस हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करोगे। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि कॉनकेव मिरर के केस में बी कैसा होता है, यू कैसे होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है, और हमने कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर दोनों के केस में ये चीज डिस्कस कर चुके। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? यस मैम। रिफ्लेक्शन पार्ट जो मिरर्स के साथ था, इस साल जो 10th स्टैंडर्ड में न्यू चीज जो आपको इंट्रोड्यूस की गई थी रिफ्लेक्शन, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, स्फेरिकल मिरर्स के साथ आपने रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर वो होता है फिनोमेना होता है वो स्टडी किया था, उससे इमेज फॉर्मेशन स्टडी करी। अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर न्यू फिनोमेना या न्यू बिहेवियर जो लाइट शो करती है, दैट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या है कि अभी आपने रिफ्लेक्शन के केस में आप क्या बात करते थे कि व्हेनेवर लाइट फॉल्स ऑन एनी क्या है पॉलिश्ड सरफेस, कोई भी पॉलिश्ड सरफेस या किसी भी ओपेक सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो वो बाउंस बैक करती है और जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में रहना चाहती है। ठीक है, हमने कहा था कि अगर लाइट किसी भी पॉलिश सरफेस या ओपेक किसी भी सरफेस पे पड़ेगी तो वो वापस उससे बाउंस करके चली जाती है, इसको हम क्या कह रहे थे, रिफ्लेक्शन बोल रहे थे। बट अगर ये मान लीजिए ये सरफेस जो है वो ओपेक ना हो और वो क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, यानी अब की बार लाइट जो फॉल करे वो इस तरीके से किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल करे। ट्रांसपेरेंट मीडिया क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडिया है, तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा नहीं कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मगर मोस्ट ऑफ द लाइट क्या है वो इसके थ्रू पास हो जाएगी। आपको भी पता है ग्लास से लाइट पास होती है, ठीक है, और वाटर से लाइट पास होती है, वाटर के अंदर का आपको दिखाई देता है, वाटर में आप क्या है ग्लास में वाटर भरते हो फिर भी अंदर की चीज दिखाई देती है। तो अगर ये लाइट यस बेटा यस हूज हैविंग डाउट, हाँ, तो अगर ये लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया पे पड़ेगी तब ये रिफ्लेक्ट ना होने के जगह क्या करेगी, उसके से पास होगी, और पास होते समय ये एक प्रोसेस या एक फिनोमेना या एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। वो आपने डे टू डे लाइफ में कैसे देखा है उसको समझो। आप क्या करते हो, ग्लास फोल्ड ऑफ वाटर लेते हो, उसमें एक लेमन ड्रॉप करो, तो लेमन का साइज अगर आप ग्लास के बाहर से देखते हो या साइड से कहीं से देखते हो तो आपको लेमन का साइज बड़ा दिखता है,
और जैसे ही नींबू को बाहर निकालोगे तो वो छोटा दिखने लगता है, होता है या नहीं होता है, देखा है कभी डे टू डे लाइफ में? यस मैम। फिर एक और एग्जांपल, स्विमिंग पूल में स्विम करने के लिए जाने वाले हैं और आपको नहीं पता है कि कितनी डेप्थ है, आप पानी में देखते हो, पैर डालने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, एकदम से पैर नीचे को झटका खाता है। क्यों? क्योंकि आपको जो हाइट दिख रही होती है पानी की, उससे गहरा पानी होता है, ऊपर से दिख रहा होता है कि ये स्विमिंग पूल में क्या है, पानी उतना गहरा नहीं है, और जैसे ही पैर रखते हो तो नीचे को वो होता है, जर्क सा लगता है, क्योंकि उसकी रियल हाइट वो नहीं होती जो आपको दिख रही होती है, उससे नीचे हाइट होती है। ठीक है, ऐसे ही फिर आपने पेंसिल को कभी ग्लास में ड्रॉप किया हो तो आपको क्या होता है, पेंसिल जहां से भी पानी भरा होता है ग्लास में वहां से बेंड दिखाई देती है। ये चीजें आपने नोटिस करी है, पहले मुझे बताओ। यस मैम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। पेंसिल वाली नोटिस नहीं की। तो ट्राई करके देखना आज इनको। और एक अच्छा तो आप बहुत छोटे बच्चे सभी करते हैं जब आप जूनियर स्टैंडर्ड्स में रहे होंगे, नोटबुक पे जो लिखा हुआ होता है या टेक्स्ट बुक पे जो लिखा होता है उसके ऊपर कभी स्केल रख के देखते हैं तो वो थोड़ा सा बेंड दिखाई देता है या बड़ा सा दिखाई देता है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। नोटबुक में या टेक्स्ट बुक पे स्केल वगैरह रख के देखो तो वो क्या होती है, वो थोड़े बड़े से लेटर्स दिखाई देने लगते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो ये सारी फिनोमेना किसकी वजह से होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। रिफ्रैक्शन में क्या है, प्रोसेस होती है कि कोई भी लाइट जब ओब्लिकली यानी किसी एंगल पर आपके किसी भी इंटरफेस पे एंटर करती है। इंटरफेस से मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, ग्लास है, ये नीचे ग्लास है और ऊपर एयर है, तो एयर एक अलग मीडियम हो गया और ग्लास क्या है, दूसरा मीडियम हो गया। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, पाथ से डेविएट हो जाती है, उसको जाना ऐसे था स्ट्रेट मगर वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, और ये बेंडिंग फिनोमेना को ही आप क्या बोलते हो, रिफ्रैक्शन बोलते हो। बेंडिंग ऑफ लाइट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्शन, कि लाइट का बेंड होना अपने पाथ से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और ये सारे जो फिनोमेना जो हमने या जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, लेमन का बड़ा दिखना साइज में, लेटर्स का डिस्प्लेस दिखना, एपरेंट डेप्थ जो है, रियल डेप्थ जो है वो क्या होती है, स्विमिंग पूल की अलग होना और रियल डेप्थ आपको काफी गहरी होती है वो आपको अलग दिखती है। फिर दूसरा एग्जाम्पल पेंसिल का बेंड होना, जहां जैसे आपने ग्लास में फिल किया है वॉटर, ये भी करके देखना। ठीक है, आपने वॉटर फिल किया है, यहाँ पर आपने एक पेंसिल ड्रॉप करी, पेंसिल को रियल में आपका ऐसे होना चाहिए था बट वो यहाँ से आपको थोड़ी सी बेंड दिखाई देती है, वो इस तरह से फील होती है, वो रियल में ऐसे नहीं दिखाई देती ग्लास में और वो बेंड दिखाई देती है। यहाँ तक तो सही दिखाई देगी मगर जहां से पानी है वहां से वो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो मुड़ गई है पेंसिल। तो ये फिनोमेना ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, यहाँ पे लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो वो बेंड हो जाती है। मीडियम आपका ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है इस प्रोसेस या इस फिनोमेना को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक सेकंड तो से यस बेटा, अब ये क्या है, रिफ्रैक्शन जो होता है वो दो तरह के मीडियम्स के बीच में होता है। आपके दो केसेस हो सकते हैं कि लाइट जब एंटर कर रही है तो वो क्या करे, या तो इस तरफ बेंड हो जाए अपने पाथ से रियल पाथ से, या फिर क्या है वो उस तरफ बेंड हो। वो कैसे पता चलेगा कि लाइट इस तरफ बेंड हो रही है या उस तरफ बेंड होगी, वो कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है कि हम कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में लाइट को ट्रेवल करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, दो तरह के मीडियम होते हैं, रेयर मीडियम्स, रेयरर मीडियम्स होते हैं
और दूसरे होते हैं डेंसर मीडियम्स. फाइन. रेयरर मीडियम्स क्या है? जब किसी भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ऑप्टिकली डेंस मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, तो उसका जो रियल पाथ होता है उससे वो किसकी तरफ मूव करती है? नॉर्मल की तरफ. अगर मान लीजिए, इसको समझने के लिए देखें एग्जाम्पल. यहां पर मैंने एयर ली है, या मीडियम वन जो है वो एयर है, और यहां पे मान लीजिए वाटर है. वाटर क्या होता है? डेंसर होता है. और एयर क्या है? रेयरर मीडियम है. ये ध्यान रखिए, वाटर डेंसर, एयर रेयरर. एक लाइट रे ऑब्लिकली या किसी एंगल पर इस पे फॉल करे, ये क्या है? इंटरफेस है. यानी इसके नीचे वाटर है सारा, और इसके ऊपर एयर है. तो वो दोनों, जहां पे दोनों मीडिया मीट कर रहे हैं, वो लाइन जो होती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं. इस इंटरफेस पे एक मैं इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अब लाइट जो है वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ मूव कर रही है. जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ मूव करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है. ये नॉर्मल के पास आएगी, यानी ये इसका रियल एक्चुअल पाथ होता, स्ट्रेट जाती तो, मगर वो क्या हो गई? इधर बेंड हो गई, तो वो आपको नॉर्मल की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है. ठीक है. अगर इसका ये उल्टा हो जाता कि लाइट आपकी बार डेंसर से रेयर मीडियम में, मान लो ऊपर हो जाता वॉटर और नीचे हो जाता एयर, तो जो ये फिर लाइट रे एंटर करती, वो क्या करती? इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए था, अगर वो अनडेविएटेड जाती, डेविएशन नहीं होता उसमें कोई भी, मगर वो ऐसे केस में क्या करती है? नॉर्मल से भी दूर चली जाती है. ये नॉर्मल है और ये आपकी क्या है? रियल एक्चुअल पाथ है, मगर ये उससे उस तरफ चली गई. ठीक है. तो जब भी डेंसर से रेयरर में जाओगे तो लाइट जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, और जब भी आप रेयरर से डेंसर मीडियम में आएंगे तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल आती. ये कंसेप्ट क्लियर है? यस मैम. ओके, आगे बढ़ते हैं मैम. यस बेटा. मैम तो फिर हम अगर वाटर और ग्लास को कंसीडर करें तो उसमें रेयर मीडियम वाटर और डेंसर ग्लास होगा ना? हाँ बेटा. ग्लास का चलो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में नहीं बताती क्योंकि अभी आपने नहीं पढ़ा. हाँ, वाटर और ग्लास में अगर आप वाटर रखते हो ऊपर और नीचे रखते हो ग्लास और इंटरफेस बनाते हो, तो रे हमेशा कहाँ से कहाँ जाएगी? क्योंकि ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है, तो बताओ कहाँ जानी चाहिए? या अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अभी हमने बताया जब भी डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ आएगी. ओके. और अगर इसी का उल्टा कर देते, ग्लास से लाइट रे वाटर की तरफ जाती, तो क्या होता? अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, क्लियर है ये चीज? यस. चलो, अब हम क्या कहते हैं, रिफ्रेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. ग्लास स्लैब क्या है? आप एक ग्लास का ब्लॉक मान लेते हैं. ठीक है, ये ग्लास का ब्लॉक है, एक बॉक्स जैसा. ये ग्लास पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है और यहाँ आपके एयर है, यहाँ एयर है, और ये पूरा किसका बना है? ग्लास का बना है. ठीक है, तीन आपके मीडियम आ गए. ये दोनों मीडियम सेम है, मतलब एयर में ही आपने क्या रख दिया? एक ग्लास का स्लैब रख दिया. ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? अब क्या होगा, इसकी मैं इस इंटरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, इस पे लाइट रे एक एंगल के साथ इंसिडेंट होगी, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. जिस एंगल से लाइट रे इस इंटरफेस पे आ रही है, ग्लास
और एयर का इंटरफेस पे लाइट रे जिस एंगल से स्ट्राइक करती है उसको नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. एंगल जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते थे तो क्या होता था, रिफ्लेक्शन की बात तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देती थी, ठीक है, जब भी वो किसी सरफेस पे पड़ती थी. बट यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है. अब की बार रेयरर से फिर किसमें जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो क्या होगा, डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक. अब इसका मतलब इसने क्या प्रोसेस शो करी, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. आप उसको चाहे आर एफ लिख लो, ठीक है, जिससे कंफ्यूज ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी. अब यहाँ तो ग्लास ही है, अब इसको बाहर निकलना है, तो उसके लिए इंटरफेस क्या होगा, आपकी बार ये वाला इंटरफेस होगा, यानी यहाँ ग्लास यहाँ एयर, ठीक है. तो ये तो ग्लास में है तो एज इट इज चलेगी, यहां तक चलेगी, मगर यहां से जैसे आगे बढ़ेगी तो क्या आ जाएगा, उसको क्या मिलने लगेगी, अब एयर, ठीक है. अब की बार ग्लास का, ग्लास में जो पाथ था उसका वो यहां से यहां तक ही रहा, ये पूरा ग्लास का पाथ है, ठीक है. अब क्या होगा, वो ग्लास से अब की बार कहां आ रही है, एयर में आ रही है. ये भी आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस टू मान लो, ये इंटरफेस के लिए ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस वन था, ये रिफ्रैक्शन है, ठीक है. अब की बार क्या होगा, ग्लास से कहां आ रही है, एयर में, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो कहां होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है. वो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से. और ये क्या होगा, इमर्जेंट एंगल होगा, या तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या तो आप एंगल फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हुआ है दोनों का इंटरफेस पे, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल टू मान लेते हैं और इसको हम रिफ्रैक्शन एंगल वन मान लेते हैं, ठीक है. और ये इंसिडेंट एंगल वन था और ये इंसिडेंट एंगल टू. तो ये क्या है, यस बेटा, मैम तो फिर आई वन एंड आर टू का जो एंगल नॉर्मल से होगा वो सेम होगा, ये दोनों, हाँ नॉर्मल. तो बेटा देखो आपकी ग्लास स्लैब की ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ग्लास स्लैब बिल्कुल क्या होगा, एकदम पैरेलल होगी, इस तरीके से बॉक्स जैसा है. तो जब ये हमने इसके भी, ये दोनों पैरेलल हैं और ये इसके नॉर्मल है और ये इसके नॉर्मल है, तो ये दोनों नॉर्मल्स भी क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, ऐसे समझो ना. इंटरफेस वन, इंटरफेस टू, ये दोनों पैरेलल है, तो अगर इनके ऊपर बनाए गए नॉर्मल्स भी क्या होंगे, वो भी एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, यानी बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर होंगे. ये नॉर्मल बनाया मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट वन एंड रिफ्रैक्शन एंगल टू दोनों नॉर्मल से सेम होंगे, सेम एंगल पे होंगे. हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा, सेम एंगल पर होंगे, बट क्या होगा, पाथ डेविएटेड नजर आएगा. ये दोनों सेम एंगल पे होंगे, ये आपको इससे पता चलता है कि ये रे जो अगर ये अनडेविएटेड जाती, अगर ये ग्लास स्लैब बीच में से हटा दिया जाता, तो मान लीजिए अगर इसका पाथ ये होता तो ये इस तरीके से जाती और ये वाली जो रे जो रिफ्रैक्ट होके आई है ये भी इसके साथ क्या है, बिल्कुल पैरेलल होगी. ये चीज क्या बताती है, अगर दो रेस पैरेलल है, यानी अगर कोई उससे क्या है, इसका मतलब ये जो एंगल अगर ट्रांसवर्सल से बना रहे तो ये एंगल सेम होते, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते. तो अगर मैं इसपे यहां से कुछ भी ट्रांसवर्सल बनाऊ तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा और ये एंगल और ये एंगल भी सेम माना जाएगा. ओवरऑल आप ध्यान रखो कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल और जो इमर्जेंट एंगल है, इमर्जेंट एंगल और ये जो आप इक्वल की बात कर रहे हैं, इक्वल नहीं होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है, पाथ बेंड हुआ है, ठीक है, बट रे क्या है, पैरेलल जाएंगी. वो बताता है कि ये अगर अनडेविएटेड जाती और दो बार डेविएशन के बाद जो पाथ है, क्योंकि ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया ना, यहाँ पर जितना वो अवे मूव करी उतना ही वो क्या हो गया,
जितना क्या टुवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करी उतना ही वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल इधर इस तरफ हो गए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों पाथ क्या है, पैरेलल होंगे बट एंगल इक्वल नहीं कह सकते। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैम नहीं आई। मैम नहीं आया, नहीं पता चला। आप कह रहे हो ये आपका फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई वन, और ये रिफ्रैक्शन हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां ये क्या मान लिया आपने आर वन। आर वन और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे आई टू, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। बट ये और ये एंगल इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें रिफ्रैक्शन हुआ ये बेंड हो गया, इसी एंगल से जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उससे वो फॉल कर रहा है। अब ये एंगल अगर क्या होता इसके बराबर होता, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते तो क्या होता रिफ्रैक्शन बराबर होता, बट यहां पर रेयरर से डेंसर में जा रहा है, यहाँ डेंसर से रेयरर जा रहा है तो क्या हुआ ये डेविएट हो गया, नॉर्मल, ठीक है। तो अब क्या है आपका ये एंगल जो है ये आर टू होगा, और आई वन और आर टू क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इससे रिफ्रैक्शन होके ये बेंड हो गया इस तरफ, पहले तो ये एंगल चेंज हो गया, जब ये एंगल चेंज हो गया तो जो इंसिडेंट एंगल है वो इस इंसिडेंट एंगल के बराबर नहीं रहा, जब इस इंसिडेंट एंगल के बराबर नहीं रहा तो ये क्या होगा आर टू भी डिफरेंट एंगल होगा, समझ रहे हो मैम। पर ये जो जो इंसिडेंट एंगल से ये रिफ्लेक्ट हुआ वही रिफ्लेक्टेड एंगल से वापस मतलब वो अगेन रिफ्लेक्ट होगा तो वो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि अंदर के दोनों रिफ्लेक्टेड एंगल्स तो सेम है ना, अंदर के दोनों एंगल तो सेम है ना। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इस तरफ बेंड हुआ था और उतना ही वो उस तरफ वापस उल्टा बेंड हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल तो है, तो पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होगा एंगल सेम ही होगा, क्योंकि तब क्या होगा आप नॉर्मल यहां पर भी ड्रॉप करोगे तो क्या होगा ये वाला एंगल क्या होगा इसके बराबर होगा। यहां पर अगर ये रे अनडेविएटेड जाती तो क्या होता ये भी आर टू होता और ये भी आर टू होता, ठीक है। और इसके लिए भी इंसिडेंट एंगल क्या होता, इसके लिए इंसिडेंट एंगल क्या होता, आप जो क्या कहना चाह रहे हो बेटा पहले मुझे एक्सप्लेन करूं। मैम मैं ये कहना चाहती हूं कि ये आई वन जो है वो उसका एंगल आर टू के एंगल से सेम होगा ना, वैसा मैं कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा ये तभी ये दोनों रेज क्या होती है पैरेलल अपीयर होती है, ऐसा लगता है कि अगर ये अनडेविएटेड जाते तो जो आपका क्या होता एंगल ये बनाती रे वही एंगल क्या है ये बनाती है यहाँ पर आके। अगर ये दोनों एंगल सेम है इसका मतलब ये क्या है पैरेलल तभी होंगे जब ये दोनों एंगल सेम होंगे। तो इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल ये दोनों क्या है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल दोनों सेम है, अनडेविएटेड जाती तब भी ये एंगल आता, और डेविएशन के बाद दो डबल रिफ्रैक्शन के बाद भी ये एंगल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। क्लियर नाउ? यस। इमर्जेंट एंगल इसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल वन, ये रिफ्रैक्टेड एंगल टू, और ये क्या है इमर्जेंट एंगल जिससे बाहर इमर्ज होकर आई रे, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब क्या yes, है आपके दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े थे, इसी तरीके से यहां पर आपके दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइक ऑन सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन। इसी तरीके से इसमें भी क्या है कि आपका
इंसिडेंट रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पर होंगे। यहां पर रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ यहां पर क्या कहता है, वहां पर आपका सेकेंड लॉ कहता था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो कहां पर था, रिफ्लेक्शन के केस में, बट यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल नहीं होता है। इसमें यहां पर हम क्या कह देते हैं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आए अपॉन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड एंगल इज कॉन्स्टेंट। यानी अगर आप रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ये आपका मान लीजिए ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल आई और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है आर, तो इसका साइन टू द रेशियो विद साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर टू गिवन मीडियम, आपको मीडियम गिवन होने चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो एयर और ग्लास की तो उसका कांस्टेंट कुछ अलग आएगा, अगर आप एयर और वाटर की बात कर रहे हो तो कांस्टेंट वैल्यू अलग आएगी, और अगर आप ग्लास और वाटर की बात कर रहे हो तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल अलग होंगे, तो साइन और आई और साइन आर की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट अलग आएगी। अब बात बस इतनी है कि कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप कितना रखते हो 30 डिग्री रखते हो तो R की वैल्यू यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप क्या रखते हो यहाँ पर 45 डिग्री रखते हो तो R की वैल्यू उस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन अलग हो जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर वो कांस्टेंट वैल्यू 1.5 है तो वो 1.5 ही रहेगी, उस हिसाब से साइन आर के आई के अकॉर्डिंग रिफ्रेक्शन का एंगल भी अलग हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 60 डिग्री रखते हो तो ये वैल्यू सेम ही रहेगी, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं मैम? नहीं समझ में आया, एक बार और समझ। यस मैम। ओके, आपको ये लॉ जो कहता है, ये लॉ ओवरऑल ये कहता है, सेकंड लॉ जो कहता है वो ये बोलता है कि साइन आई अपॉन साइन आर is always constant, यानी इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी दो मीडियम के लिए, जिस भी दो मीडियम के लिए अगर आप बात करेंगे, आप मान लीजिए एयर और वॉटर की बात कर रहे हैं तो एयर और वॉटर के लिए साइन आई का रेशियो साइन आर के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। आप एंगल्स चेंज करते रहिए तब भी वैल्यू कॉन्स्टेंट ही रहेगी एयर और वॉटर के लिए। ऐसे दो अलग मीडियम ले लें, ग्लास वाटर ले लें, तो उनका क्या होगा, वैल्यू कांस्टेंट अलग रहेगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडिया, उनका दो गिवन मीडिया के लिए, मीडियम के लिए ये रेशियो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। उसको समझने के लिए बहुत अच्छे से अगर और ज्यादा जानना चाह रहे हो तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, अगर आप तीन बॉक्सेस बनाओ, साइन आई, साइन आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इनको अगर आप चेक करते हो, एक बार साइन आई आप रखते हो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री, तो क्या होता है, यहां पर ये वैल्यू करीब 19, साइन आर की वैल्यू 19 आती है, साइन आपका ये 19 डिग्री आता है, तब जब इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल, ये एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली डन है, ये मत पूछना कि ये 30 था तो ये 19 कैसे आया, ये एयर से जब वाटर में
क्या होता है, एयर टू सॉरी ग्लास अगर लाइट रे ट्रेवल करती है तो इंसिडेंट एंगल अगर कितना है 30 डिग्री है तो रिफ्रेक्टेड एंगल आता है 19 डिग्री, ठीक है। अगर ये 45 होता है तो ये 28, ये चेंज होता है 45 डिग्री पर तो ये कितना हो जाता है, ये भी चेंज हो जाता है 28 डिग्री। और साइन 60, अगर आप एंगल 60 पर इंसिडेंट करेंगे तो ये वैल्यू करीब आती है साइन आर की वैल्यू 35 डिग्री, ठीक है सॉरी। तो मैम जैसे हम इंसिडेंट, क्या कह रहे हो बेटा, जैसे हम इंसिडेंट रे की जो एंगल होता है वो बढ़ाते हैं वैसे ही ये वैसे रिफ्रेक्शन का भी एंगल बढ़ता जा रहा है। हाँ, अगर इंसिडेंट एंगल थोड़ा सा बढ़ाते गए, लाइट रे को इस तरह से बेंड करते गए तो रिफ्रेक्टेड एंगल में भी चेंज आते हैं, मगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आप इन सब में कैलकुलेट करके देखोगे तो 1.5 यानी साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा 1.5 आएगा। साइन 30 डिग्री अपॉन साइन 19 डिग्री करोगे तो 1.5 ही आएगा। साइन 45 डिग्री तो ये साइन 28 डिग्री करोगे तो भी 1.5 ही आएगा। ये किसका एग्जांपल है, जब आपका एयर टू ग्लास मूव करती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर आप एंगल में ऐसे चेंजेस करते हो एयर में तो ग्लास के अंदर एंगल्स इस तरीके से चेंज हो जाते हैं, रिफ्रेक्शन ऐसे होता है, मगर वैल्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की सेम ही रहती है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, जिस हिसाब से ये एंगल चेंज होगा उसी हिसाब से रिफ्रेक्टेड एंगल भी चेंज होता जाता है। मैम यस बेटा, मैम आप एक बार ये टेबल फिर से समझा दोगे। देखो मैंने आपसे ये कहा कि आपका जो कोई भी लाइट रे है वो एयर से ग्लास में जा रही है, आप जैसे जैसे आई को चेंज करोगे, आई आपने अगर 30 डिग्री रखा तो आपका रिफ्रेक्शन 19 डिग्री पर हो रहा था, मतलब रिफ्रेक्टेड रे जो थी वो 19 डिग्री नॉर्मल के साथ शो कर रही थी, ऐसे समझ लो कि जब आप इंसिडेंट एंगल को 19 डिग्री रख रहे थे तो जो आपका रिफ्रेक्टेड एंगल था वो कितना आ रहा था, सॉरी ये रख रहे थे आप 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल तो आपका रिफ्रेक्टेड एंगल कितना आ रहा था 19 डिग्री, ये समझ में आएगा। रिफ्रेक्शन कितने एंगल पे हो रहा था 19 डिग्री पे, अगर आपने इस एंगल को बढ़ा दिया और आपने कर दिया 45 डिग्री तो यहां पर भी थोड़ा सा ये भी बढ़ जाता है, ये कितना हो जाता है 28 डिग्री। अब अगर ये रिफ्लेक्शन के रे को लॉ को फॉलो करता तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 45 होता तो ये भी 45 होता, रिफ्रेक्शन तो हुआ है क्योंकि 45 के में ये 45 से ही नहीं जा रही है, ये क्या हो रही है, ये इस तरफ आ गई है, बेंड हो गई है क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आई है तो 28 डिग्री है, बट इस एंगल को जैसे जैसे इसका इस एंगल को आप बेंड करते चले जाओगे ये वाला एंगल भी थोड़ा थोड़ा उस तरफ को बेंड होता चला जाता है, मगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी इसकी जो अपनी लाइट रे को डेविएट करने की पावर है ग्लास की वो सेम ही रहेगी, कि मतलब अगर 19 डिग्री 30 डिग्री पे जितने पे क्या है थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर रही थी तो अगर आपने ये एंगल बढ़ाया तो ये एंगल भी थोड़ा उधर इंक्रीज हो गया, मगर उसकी बेंड करने की कैपेसिटी या जो मीडियम का में बेंड होने की जो उसकी क्षमता है वो क्या है सेम ही रही, वो 1.5 ही रही। मैम तो सारे में 1.5 ही आएगा? हाँ सब में 1.5 ही आएगा, या आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हो, आपके मोबाइल्स में कैलकुलेटर्स होते हैं, अगर आप साइन 30 डिग्री करोगे और साइन अपॉन साइन 90 डिग्री, क्योंकि लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर करना होगा, और साइन आई में रखोगे साइन 30 डिग्री और नीचे रखोगे साइन 19 डिग्री तो भी आंसर 1.5 आएगा,
फिर आप साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 28 डिग्री रखोगे तो भी आंसर 1.5 आएगा, और किसके केस में, जब एयर से ग्लास में लाइट रे मूव कर रही होगी तो। और इसीलिए हम ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान के चलते हैं 1.5, क्योंकि उसमें किसी भी एंगल पे रे पड़े जब वो क्या होगा डेविएट होगी, तो उसी हिसाब से डेविएट होगी जितना उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। अब वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.3 होता है। वहां पर अगर आप ये एंगल्स रखोगे तो ये एंगल्स की वैल्यू कुछ और होगी, जिससे कि वो क्या रहेंगे, मेंटेन रहेगा 1.3 ही रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यस बेटा। मैम अगर जो ये इंसिडेंट रे है वो स्ट्रेट आ रही होगी नॉर्मल की जैसे ही परपेंडिकुलर, तो फिर उसका ये रिफ्रेक्शन कैसे होगा? ये आप स्टडी करके बैठे हो है ना, इसीलिए क्वेश्चंस राइज हो रहे हैं। नो मैम, हाँ एक्चुअली अभी क्या है, हम लोग उस पॉइंट पे अभी जाएंगे, वो हमारा केस आएगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, हम हमेशा क्या ले रहे हैं, एक एंगल पे ले रहे हैं, नॉर्मल पे ले रहे हैं, नॉर्मल पे नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल से किसी एक एंगल पर ले रहे हैं, ठीक है। अब जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी एंगल पे ना होके सीधे नॉर्मली इंसिडेंट हो, यही ना? यस मैम। तो क्या होगा, तब के केस में ये स्ट्रेट ही जाएगी, भले ही मीडियम या एयर हो, ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो, ये स्ट्रेट ही जाएगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि तब आप रेशियो क्या कहते हो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हो या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हो, इसका मतलब साइन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन आर होगा। अब अगर रे परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, यानी ये रे खिसक खिसक के किधर हो गई, बिल्कुल इसी पर मिल गई, नॉर्मल पे मिल गई, यानी नॉर्मल और उस रे में कितना एंगल बनेगा आपस में, जीरो डिग्री। यहाँ क्या होगा, साइन जीरो डिग्री। ये हम नॉर्मली केस क्या कर रहे थे, नॉर्मल से किसी एंगल पर ले रहे थे, नॉर्मल से किसी एंगल पर ले रहे थे, बट अब ये रे इसी नॉर्मल के साथ ऐसे हो गई, स्ट्रेट हो गई, तो नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो डिग्री हो गया। और साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है, सॉरी साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो होती है उसकी वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू जीरो तो आपका RHS भी जीरो हो जाएगा, यानी ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन आर था ये वैल्यू भी पूरी जीरो आ जाएगी। अब कांस्टेंट तो जीरो हो नहीं सकता, उसकी तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे हमने 1.5 या 1.3 लिए थे, वो तो जीरो नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज क्या, कि साइन आर इज इक्वल टू जीरो, और साइन आर की वैल्यू भी जीरो कब आएगी, जब आर इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी जीरो होगा, तभी साइन आर की वैल्यू जीरो आएगी। ये चीज समझ में आ रही है, किसी को नहीं आई तो बोलो। यस मैम। हमने सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, जिस सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं बेटा, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ये जो लॉ है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडिया। दो जो मीडिया के बारे में आप जिस समय भी बात कर रहे होगे, अगर आप एयर और ग्लास के बारे में बात कर रहे हो तो वो करीब करीब 1.5 वैल्यू आती है इसकी, एयर और वाटर के बारे में बात करते हो तो वो 1.33 के करीब आती है। तो जिस भी मीडिया के बारे में आप बात कर रहे होते हैं उसमें अगर आप साइन आई और साइन आर का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा एक ही वैल्यू निकल के आएगी। वो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप जैसे बढ़ाओगे या घटाओगे उसी हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन या एंगल ऑफ
तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी कम ज्यादा होता रहता है, मगर वैल्यू दोनों की साइन की सेम ही रहती है, कॉन्स्टेंट ही रहती है। अब इसमें एक स्पेशल केस है कि मान लीजिए किसी एंगल पर इंसिडेंट ही ना हो, वो सीधे क्या हो, परपेंडिकुलरली ही इंसिडेंट हो। जब परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, आपका साइन आए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। परपेंडिकुलर पर ही इंसिडेंट है मतलब बिल्कुल स्ट्रेट इंटरफेस पे जा रही है, यानी कोई एंगल नहीं बना रही, परपेंडिकुलर के साथ उसका एंगल क्या है, जीरो है। तो साइन आए जीरो होगा, तो इस रेशियो में जब आप रखोगे तो इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन आर। और कॉन्स्टेंट जीरो हो नहीं सकता, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये तो जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तभी आंसर जीरो आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो होगी पक्का इसमें। तो इसको अगर साइन आर इज इक्वल टू जीरो रखते हो तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब आर एंगल जीरो होगा तभी साइन आर जीरो आता है। सही है? यस मैम। तो मैम ये एक ही केस में जब लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर होते हैं उसमें ही आई इज इक्वल टू आर होता है। हाँ बिल्कुल, ये एक पर्टिकुलर केस है, इसी में क्या होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन बराबर है, यानी रे जब क्या होगी बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी इंटरफेस पे तभी वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अगर वो किसी एंगल पर गई यानी इस एंगल से आ रही है मान लीजिए, तो वो डेविएट होनी ही होनी है, अपने रियल पाथ पे वो नहीं जाएगी। अगर वो डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो नॉर्मल की तरफ डेविएट हो रही है, जो ये रियल पाथ है उससे वो डेविएट हो गई, इस तरफ हो गई। और अगर वो रेयरर सॉरी डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इज दिस मस्ट क्लियर? दोनों लॉज क्लियर है। लॉ वन इज वन सेज के इंसिडेंट इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या है एक ही एंगल पर सॉरी एक ही प्लेन पर इंसिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए ये आपका इंटरफेस है तो ये आपकी आपकी क्या है इंसिडेंट रे है, यहां से ये रिफ्रेक्ट हुई तो ये रिफ्रेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। ये तीनों चीजें क्या है इस प्लेन के पे एक ही प्लेन पे इंसिडेंट होंगी, यानी इसी तरीके से है तो इसी प्लेन पर रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक फ्लैट होगी या कुछ इस तरह से होगा, दो अलग प्लेन नहीं होते हैं, वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे एंगल ऑफ आपने सॉरी रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था। बट वहां पर आप कहते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जिस एंगल से आती है वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक करती है। यहां पर वो चीज नहीं है, यहां पर इन्होंने रेशियो लिया दोनों इंसिडेंट एंगल और रिफ्रेक्टेड एंगल का रेशियो लिया, और वो क्या है वो साइन आई अपॉन साइन आर, दो कोई पर्टिकुलर मीडियम जिनके बारे में भी जब भी बात की जाती है उसके लिए कॉन्स्टेंट होता है। एयर वाटर के लिए कॉन्स्टेंट अलग आएगा, एयर ग्लास के लिए कॉन्स्टेंट अलग आएगा, एयर ऑयल के लिए अलग आएगा, ग्लास वाटर के लिए अलग आएगा, वाटर ऑयल के लिए अलग कॉन्स्टेंट आएगा, मगर वैल्यू सेम ही रहती है। जैसे जैसे ये चेंज होगा आई की वैल्यू, वैसे वैसे आर की वैल्यू भी चेंज होती रहती है उसी हिसाब से, मगर दो मीडियम के लिए ये वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट आती है। ठीक है मैम? मैम साइन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? बेटा आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री मेरे ख्याल से अभी स्टार्ट नहीं हुई है ना? नो मैम। मैम पता है, देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए इसको हम क्या मानते हैं, आपका जो गिवन एंगल है वो मानते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये तो आपका परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये क्या होता है हाइपरटेन्यूज। तो अगर मुझे साइन थीटा बोल रही हूं, ये एंगल का साइन निकाल रही हूं, इसका मतलब मैं क्या करूंगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेन्यूज, जो इसकी वैल्यू दी होती है अपॉन इसकी वैल्यू अगर आप करते हो तो वो क्या निकल के आता है साइन थीटा की वैल्यू के बराबर आता है। फाइन? ओके मैम। ठीक है, ये साइन होता है।
तो अगर आपका ये जो इस तरीके का एंगल जो दिया है ना, ये परपेंडिकुलर के साथ है, तो अगर आप इस तरीके से ड्रॉप करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपरटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपरटेन्यूज यानी बराबर साइन ऑफ दिस एंगल। ठीक है, ओके मैम, क्लियर? यस मैम क्लियर। मैम इसे ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस भी हो सकता है ना? क्या कह रहे हो बेटा? मतलब आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बोला तो ओपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस भी हो सकता है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर? मैम उसको ओपोजिट नहीं, मैम ओपोजिट एंगल अपॉन हाइपोटेनियस। वंस अगेन आस्क योर क्वेश्चन, आप क्या बोल रहे हो? मैं वैसा बोल रही हूँ कि परपेंडिकुलर हाँ, तो इसके एंगल के ऑपोजिट यही साइड है, इसको हम क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर मानते हैं और ये बेस मानते हैं, और ये क्या होता है हाइपरटेन्यूज। अगर आप इसको ऑपोजिट साइड भी बोलते हो तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपरटेन्यूज कह सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, क्लियर इतनी चीज? यस। अब इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है कि क्या प्रोसेस होती है या क्या फिनोमेना होता है जिसकी वजह से ये लाइट बेंड कर जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। तो रीजन क्या होता है कि लाइट बेंड एक्चुअली इसलिए करती है क्योंकि जब वो एक ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो उसका वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। मान लीजिए लाइट रे एयर में थी तो उसकी वेलोसिटी v1 थी और जैसे ही वो ग्लास में एंटर करी तो उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ओके, तो यहां पर जैसे ही लाइट रे यहां तक आई वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, बट जैसे ही वो इंटरफेस पे आई और ग्लास में एंटर करना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और इसकी वजह से वो अपने पाथ से बेंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है दिस इज ऑल ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, कि स्पीड पे चेंज जो हो जाता है लाइट की उसकी वजह से उसकी बेंडिंग होती है। ठीक है, अगर वो किसी डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड हमेशा स्लो हो जाएगी और जैसे ही वो रेयरर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो एयर से ग्लास में जाने में जो लाइट है उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है तो वो अपना पाथ से बेंड हो जाती है। ठीक है, इसीलिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट और इस कांस्टेंट को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं v1 अपॉन v2, यानी जितना वेलोसिटीज के रेशियो में चेंज होगा उसी हिसाब से कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब एयर में स्पीड कुछ और होती है और ग्लास में स्पीड कुछ और है तो जिस हिसाब से उनका रेशियो बदला उसी हिसाब से आपको कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम वाटर रख दें तो वाटर में वेलोसिटी कुछ और होगी तो कांस्टेंट इसी वजह से चेंज हो जाता है। ऊपर एयर भले ही रखें मगर जैसे ही यहां पर आपने ग्लास की जगह वाटर रख दिया तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, और उनका जो डेविएशन है एंगल्स का वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और इस कांस्टेंट को ही मैंने आपको पहले भी बताया, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैम यस बेटा, मैं वो v1 की जो वेलोसिटी है वो ग्लास में एंटर होके वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है जब यहाँ पे कोई रेयरर मीडियम होगा और यहाँ पे कोई डेंसर मीडियम होगा, तो रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाएगी लाइट तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी,
मगर ध्यान रखना अगर उल्टा हो जाए वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मगर दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज होगा ही, और वेलोसिटी में चेंज होगा तो बेंडिंग होगी ही, लाइट अपना पाथ फॉलो नहीं करेगी, और लाइट अपना पाथ फॉलो नहीं करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, ठीक है इतना? Yes, ma'am. This much clear to all? Yes. तो मैम मिरर के केस में वेलोसिटी का चेंज होता ही नहीं है ना? बेटा मिरर के केस में तो दो मीडियम में चेंज होता ही नहीं है, अगर एयर में रेयर होती है तो एयर में वापस जाती है, अगर वाटर में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वाटर में ही रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मीडियम चेंज नहीं होंगे तो फिर क्या है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। फाइन, ओके मैम, ओके आगे कंटिन्यू करेंगे, इतने को आप रिवाइज करिए और कोशिश ये करिए कि हम इसको स्पीड अप करें, विद इन दिस वीक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। फाइन, ओके मैम, ओके मैम, बाय मैम, बाय बेटा, थैंक यू ऑल, बाय मैम, बाय मैम, बाय मैम, बाय बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, ma'am. Yeah. Relax a bit for 2 minutes and then we'll begin. Okay. We have completed the thief story, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, what you want me to start with? The midnight visitor or the other one? Midnight visitor. Midnight ma'am. Visitor. Is it done in your school? No, I'm not yet. We completed the thief story today. Okay, you've completed the thief story today. And what about the next chapter, chapter number 3 of first flight? Actually, extra questions and worksheets are going in the school as discussion of thief story. Okay. I have shared the extra questions and sheet. Got, ma'am. Got, ma'am. Got it? Very good. I'm just trying to open first flight as well. So either the midnight visitor or two stories about flying. Now, what you want me to start with is first flight or the midnight visitor, which is done in your school out of these two? Yes. The midnight visitor. No, I'm asking in school, which one is going on? Is there any midnight story is completed? Hmm? Ma'am, only thief story is completed today. So I don't have idea that what will start school. Okay. Next time. Can we have small discussion, extra question discussion? Or that we'll do after completing the worksheets that you have given? There is nothing which is not answered in that. Actually, there is nothing in that which is not answered. I have given question and answer both. Okay. So there is no point of discussion in that. But yes, okay, just let me just confirm it once. What you want me to start with? Quickly. Decide at your end. At your school, the thief story is completed, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. Is there anyone where the next chapter has been started or introduced anyway? No, ma'am. Both chapter have completed. No, I am now asking. Now we are going with the midnight. Midnight visitor. Midnight visitor. Ma'am. Mom, in our school, we are going to start with the poem, The Panther, from tomorrow.
Okay. But why are you starting with the poem The Panther? Because it is not in the syllabus. It is for the general study. Ma'am, don't know, but till ma'am, Midnight Visitor, ma'am has not started yet, but the thief story has completed and ma'am has told that she will be studying as the chapter from First Flight. So don't know which one. From First Maybe. Flight, huh? Yes, ma'am. Okay. So fine, then we will begin with the First Flight itself. Two chapters are there in that. Two kind story. So we'll begin with that. Two stories about Pangis, First Flight and Black Aeroplane. So we'll begin with that. I'll just open the chapter and then I'll share it with you. Yes, sir. I am open. By the time, just open your textbook. Ma'am? Yes? Ma'am, in our school, sir has started a grammar topic, subject verb concord. That is called subject verb agreement that I have explained to you when we have done these intenses. Tenses when we have done, I told you, when we have done the tenses, we have done three things in that. We have done tenses, we have done question tags, right? And subject verb agreement. Three things we have done. Uske bina to tenses kaise honge? Ma'am? Hmm? Ma'am? Yes, I'm listening. Ma'am, in our school, the grammar topic, analytical paragraph has been started before the vacation. Is it important for the board exam? Sorry? Ma'am, analytical paragraph. Mm-hmm. So, is it coming in the exam? Analytical paragraph is a type of writing. Means it is going to come in board exams because she told it is coming in 8 markers. Analytical writing is like analysis of anything. Yes, ma'am. Like poem analysis, chapter analysis. So that I am also giving to you, in long answers when you will see. So there are lot many questions according to one chapter. So we are covering all. I'm trying to cover all as much as possible. I'm giving it to you. This time I have given in two forms, like in a mixed bag also I've given to you. And then I have given to you specifically for short reference to context and long answers as well. Okay. So analytical writing is like analysis. You should know. Yes, it is important from exam point of view. It is very much important. Because if you know what exactly you are writing about in analysis, what you write? What is the meaning of analysis? Your point of view. Your perspective of understanding that particular chapter or poem. Okay. And the devices used in that, on that you are commenting. That how it has been used and how beautifully the writer has explained. What are your views regarding that? That is analysis. Okay, ma'am. It is not the summary writing. That also you should understand. That it is not the summary writing. Analysis is something beyond that. Summary is what? In the short form, you are describing the entire chapter or poem. But analysis includes all things. Poetic devices, figures of speech, right? Critical view point of that poem. Okay? Okay, I'll just be sharing with you. It all got hanged up now.
Am I audible to you all? Yes, ma'am, you are audible. Okay, now screen has come. Just 2 minutes, I guess it is, but some technical issue. For me, the screen has got freezed. I'm not able to do anything. Okay. Yeah, now it started. God, do it quickly. Otherwise, I have to read from the... Okay, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. Mama, I cannot see the screen. You're not able to see the screen? Has it got... Now, ma'am, now it's visible. Has it come? Yes, ma'am. Okay. For me, it's again freezed. Ma'am, Vedant is in waiting room. Can you let him in? Yeah, I know, Vita, but I'm not able to do that from here. Na? Just allow me for 2 minutes. I'll just stop the screen sharing once because it has got freezed. I'm not able to see where I am taking it and where it is going. It has got stuck. I'm restarted. I'm just trying, just waiting for it to respond. Otherwise, it will not restart even. Ma'am, what is not responding? The Chrome or the Zoom? Zoom is not responding, I guess. Ma'am, so right click it and do close the program. It will close and you can restart it again. That's what I have to do. I guess I logged out from the other one, other device. Let me restart my laptop. By the time, just please, if anyone is having the textbook, start reading it so that I can explain the things. We should not waste the time at that moment. We have textbook in front of us, so we can read from it. Yes, that's what I'm saying. Yeah. Somebody please start reading. I'm able to see you from phone and I'm able to hear you as well. So that's fine. Kavya, can you start reading, beta? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, first part? Yeah. His first flight. The young
seagull was alone on his leg. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the leg and attempted to flap his wings, he became afraid. Tell me one thing. How do you think this all came into existence? Like, everybody is now we know that the flights are there. We can travel through the flights and aeroplanes. But how these all things started? Let me know your views. What came into the mind of a human to create any such thing? What inspired him? By seeing the bird. Birds, exactly. Birds inspired. Then, what did he create? What do you think? How the man has started flying? Man, he would have created. Suppose you are the first one who has thought about it. Like, I'll create something through which I can fly. So what will you do? What would be your... I could copy the shape of the bird to a plane. Okay. And try to attach wings to our hands to fly like the birds. Yes, exactly. By the air pressure, we can also fly. Okay. Do you think they could succeed in the first time itself? Not at all. No, ma'am. It takes so much effort to succeed in this things. Yes, exactly. I have seen one movie in that when first he tried, I was very small when I saw that movie. When first he tried to fly through the wings, he created the wings made of wax, which got melted due to heat. And it was too heavy for the person to fly on. Then he created of wood, which was heavy. Then he was not able to do. Then slowly and gradually, leaves and everything. That was an animated movie. Just for the fun, it was made. So, finally, Wright brothers. We all know that Wright brothers were the ones who first created the flight, right? Yes, ma'am. Yes. So they have created a heavy machine. They have not created any lighter vehicle. They have created a very heavy machine. But yes, slowly when they evaluated through that, so they created it into a better version. Slowly and gradually they did that. And it was very inspiring. Like, if those people can think over it and they can create such machine, then later on people thought that they can also do such things. Okay, now here we are going to study about a thing which is totally different from this. We are not talking about the discovery or invention of a flight. We are going to study about the first flight as a first flight as a person, right? Okay, I guess I have started thing. But still, the thing is the same for me because I have not opened the textbook. Every time, every day I try that I should not waste any minute, a single minute on all this, and it should go on time. But again, my bad luck. I get stuck up with all this stuff. That's why for me, the best option is the offline one. I just wish to the God that it goes offline very soon. Do you also feel so? Yes, ma'am. It's really boring to teach online. You cannot express much. You cannot go with the things, better things here. Okay, am I able to connect it now?
connect it. Just okay, now it's fine. So I have to make myself again the host to share the screen. I guess everybody has joined now. Yes. Just. Ma'am? Yes, madam. Ma'am, if you allow screen share, I can do it right now. No, it won't be possible because for that you need to be the host. That's why I made myself the host now. Now it's visible, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, but it's blurred. Ah, it's blurred because I clicked on it. Just 1 minute. I'll just. No, ma'am, it's not blurred. No, ma'am, it is not blurred. It is clear. Yeah, I agree. Let me drag the page to the one. Wait, what's the page number? Ah, this is the same. Right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, the author of this part. Now we are going to study two stories about flying. I hope I'm very clearly visible to you all and audible as well. So I'll go with the phone now. I have to keep it in the hand. So first part, that is his first flight, is by author Lam O. Flasherly. Okay, let's begin the thing. The young seagull was alone on the ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Now, what are we talking about? What is a seagull? It's a bird. Ma'am, it is a migratory bird. A bird. It's a migratory bird. And what is the meaning of ledge? Ma'am, a cliff. A cliff. Yes, a cliff. Exactly, a cliff. So a small seagull, that is a kid of a bird. Okay, small seagull here means, young seagull here means the young one. Okay, the baby of the bird was sitting all alone on his cliff. His two brothers and his sister had already flown away. Okay, from the cliff 2 days ago. He was afraid to fly. So he did not fly with them. So he remained at the cliff. Somehow, when he had taken, okay, 1 second, let me see where I am. I'll just scroll it so that I should not leave the thing here. Okay. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. Now, here brink means, what is the meaning of brink? Ma'am, edge. Yes, edge. Okay, now flap. What is the meaning of flap? We all know what is the flapping of wings, right?
We all know what is the flapping of wings. Actually, ma'am, we know it, but how to term it, that we don't know. So what is the meaning of flap? Moving quickly. Okay. Expands area. Okay. Stretched. What is the meaning of stretched here? Extended. Okay. Beneath, below. Beneath means below. Please respond, students. Otherwise, it will be a one-way communication. And I don't like that. Okay. When he ran up to the edge of the cliff and he tried to move his wings, he got frightened. He got frightened. A large area of sea extended below. And it was so much below from his ledge, that is his cliff. It appeared that sea was many miles down from his edge. Okay. Tell me one thing. If you are standing on a cliff, okay, you are a great swimmer. You know how to swim. But all of a sudden, instead of a swimming pool, somebody has taken you to the cliff. And everybody is jumping from there into the water. Will you be able to attempt that thing for the first time? No, ma'am. Obviously not. Cliff means a huge rock. A huge rock means on a very heighted. And below that, there was entire the sea. And it's really scary. Right? Being a child, it's really scary. He felt certain that his wings would never support him. He was not confident. What does this line show? He felt certain that his wings... He was not confident enough that he would be able to fly. Yes. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Okay. So here, he was sure that his wings are not going to support him in the fly. Okay, so he turned around and ran back to the small place under the ledge where he slept last night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. Now here, flapped means, we have discussed this. What is the meaning of flap? Moving very fastly. Muster? Gathering. Or collect. Okay. Take the plunge. Plunge. Take the plunge. Ma'am, take off. Decide and do something. Take a plunge means decide and do something. Desperate. Very eager to do something. Here it means suicidal or damaging. Okay, according to the text. Now, although each of his brother and his younger sister had much smaller wings, they ran towards the edge, moved their wings and flew away. But he could not gather enough courage to fly. He thought that he would die if he flew off the edge. Okay, let me scroll it a little bit. Ma'am, can you repeat the meaning of plung? One second. Ma'am, plung. Decide and do something. Take a plung is the entire one. Take a plung means decide and do something. Okay? I'll just scroll it. Yes, his father and mother had come around. Calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge
unless he flew away. But for the life of him, he could not move. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. That means 24 hours ago, his father and mother came to him, scolded him and told him that you will die here due to hunger. Nobody will bother about you. You will not be able to survive if you will not take that courage. But he was not moving at all. Yes, Shlok? Ma'am, what is the meaning of for the life of him? For the? Life of him. I'll explain it right now. I'll explain it. Okay. Shrilly means, what is the meaning of shrilly? High-pitched. Yes, high-pitched. Upbraiding. Scolding. 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 Starve. Die of hunger. Die of hunger. Starve means, doesn't mean die of hunger, but remain without food. That is starve. So his parents come to call him. They were speaking loudly and scolding him. They even threatened him that they would not give him food unless he flew away. But to save his life, he did not move. Okay. This had happened 24 hours ago. After that, nobody came near and had come near him. Now, somebody has asked me about this. But for the life of him, he could not move. So that means to save himself. Okay. To save himself, he did not move. To save his life, he did not move. Understood, beta? Yes, ma'am. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The seagulls are very, very efficient in catching the fishes off the shore. That means they are just simply coming down, picking up the fish and flying away. Such kind of sense they are having, such kind of quickness they are having. Perfecting here means learning more to become perfect. Okay. Skim. What is the meaning of skim? To move lightly just above a surface. Yes. Yeah. Either float or glide. Yes. 2 days ago, for the whole day, he had seen that his parents were flying with his brothers and sisters. His brother and sister were learning more about the art of flying. Perfecting them, that means they were learning more about the flying. His parents were teaching them how to float on the waves and how to dive in the water to catch a fish. Okay? Clear till here? Yes, ma'am. Yes, what is the doubt then? If it is yes, ma'am. Okay. That's all clear, ma'am. That's okay. Okay. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. Okay, let me tell you the word meanings here. Herring. What is the meaning of herring? It's a type of fish in the simplest language. Herring is a type of fish. Devour. Eat greedily or quickly. Okay. Cackle. Speaking loudly. Okay. Plateau. What is a plateau? A land which is over some height of the normal. The level surface on a hill. Okay. Level surface on a hill. Taunting. What is the meaning of taunting? You all know what is the meaning of taunting. Every day we use a
टॉन्ट मार रहे मेरे को, तो क्या होता है टॉन्ट मारने का मतलब? मेकिंग जोक ऑफ एनीथिंग, टीजिंग समवन, राइट? या टीजिंग, कवर्डस, एक्ट ऑफ टीजिंग इन अ फन वे, बट टू होम वी आर टीजिंग फील्स वेरी सैड एंड ऑल. यस यस. So, and cowardice means an act of coward. Okay. So, he had seen how his elder brothers caught their first herring fish. Then they stood on a rock and ate it eagerly. His parents were flying around them and were making loud noise of happiness that they have succeeded. Throughout the morning, the full family had been walking on a big platform. Plateau here means big platform, which was at mid-height between his edge, where this seagull is. Below that it is there, and the sea. They were teasing him for being coward. The sun was now ascending the sky, blazing on his edge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Now here, ascending means? Man, to go up. Rising. Okay. Rise up. Blazing. Rising up. Flaming. No, blazing is very hot. Burning. Oh, okay. Ma'am, I thought you told appraising. That's why. No. Blazing, I'm seeing. Blazing. I will ask the word from the content which I read. Now the sun had started rising in the sky. This caused a lot of heat on his ledge. His ledge was facing south direction. The line which is saying his ledge that faced south, that means his ledge was facing south direction. He felt heat more because he had not eaten since last night. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other, and pretending to be falling asleep. This is the way how they sleep. But here he pretended that he is sleeping. Stepped here means walked slowly. Stepped slowly means walked slowly. Brink. The edge of the edge. What is the meaning of pretended? Acted. Okay, he acted. Or something that he is not doing. Yes, yes. He slowly walked up to the edge of his cliff. He stood there on one leg. Okay. And his other leg he hid below his wings. He closed his one eye and then he was doing like this and pretending like he acting like he was sleeping. Okay. Now let me scroll it more. Still, they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Okay, now here, take notice means? To pay attention. Take notice means to pay attention. Dozing, sleeping, preening, making an effort to maintain feathers. Yes, making an effort, or you can say cleaning feathers by beak. Okay, so still nobody paid any attention to him. His two brothers and his sister were on the plateau. They were sleeping. Okay, their head were touching their necks.
his father was cleaning his white feather, was cleaning white feathers off his back by his beak. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Now, what was she doing? She was like hump. What is the meaning of hump? Bump. Where have you seen the hump one more time? Which animal has hump? Camel. So you know this very well. What is the meaning of hump? Tore. Second form of tear. And what is the meaning of tore here? Pulling apart. Now and again. Now and again is used for repetition. Okay, so repeatedly something is happening. So they are saying now and again. Scrapped. Okay, na. What is the meaning of scrap? Meant to bite. Rubbed or scratch. When you're scratching or rubbing something, okay? On your body part. That is scrapped. Only his, who was watching? Nobody was paying attention to him. Only who was watching? Only his mother. His mother. Yes, yes. Only his mother was looking at him. She was standing on a little hump on the plateau. Repeatedly, she pulled a piece from the fish that was lying at her feet. After eating that piece, she rubbed each side of the beak on the rock. Okay, now, the sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way. Scraping his beak now and again to wet it. Okay, now maddened here means? Being mad for something. Yes, being mad for something or becoming mad. Now wet, W-H-E-T means? To sharpen. Yes, to sharpen. Very good. So by looking at the scene of food, he became mad. Okay, he became more hungry. Obviously, if you have not eaten since last night and somebody is eating in front of you, you will feel hungry or not. So that same thing was happening with him. He very much, yes. Ma'am, what is the meaning of thrust? I'm telling you, wait. It will come in your explanation itself. So he very much liked to pull the food in this way. To again and again rub his beak on the floor to sharpen it. A rock to sharpen it. Now, here. Okay. Where we have lost the thrust. Okay. White breast thrust forward. Thrust forward. How a female bird looks, the chest part is always on the upbreast part. Okay. In that way, she was standing. Okay. Understood, huh? Yes, ma'am. Okay. Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Ga, kola, she screamed back derisively. Now, here the language is given. But he kept calling plaintively. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. Begging. What is the meaning of begging? Requesting or asking for something. Yes. Requesting for something earnestly. Requesting earnestly. Derisively. In a manner showing someone that she or he is stupid. Or in shorter way, you can say teasingly. Okay, derisive means teasing. And derisively means teasingly. Okay? Plaintively? In a pain? What plaintively means? Expressing sorrow. Expressing in sorrow or say it. Sadness. Utter? To speak something. Yes, very good. So he started crying to beg her to bring some food for him. She shouted and teased him.
but he kept making requests with sadness. After a minute, he spoke and shouted with happiness. Now, why did he shouted with happiness? Let's see. His mother had picked a piece of fish and was flying across him with it. Yes, that's why his sad cry turned into happiness, right? His mother had picked up a piece of fish and was flying across him with it. 1 minute, somebody is in the waiting room. Let me admit them. Okay. He leaned out eagerly. I'm just reading it and then I'll scroll it. Huh? Just one line is remaining. Tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. Now, what is the meaning of lean? To bow. To bend. Lean means to bend. Okay. Now, his mother had picked up a piece of fish and she was flying towards him. He bent forward eagerly. He was tapping the rock with his feet. He was trying to come nearer to her as she was flying towards him. But when she was just opposite to him, she halted. Her wings motionless. The piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. And then, maddened by hunger, he dived at the fish. Did you notice what did she do to make him fly? Read it again. But when she was just opposite to him, she halted. He just scrolled him and go opposite to him. New. And then he now, just died. How your parents do. You are not willing to do anything. And then that time your weakness becomes their strength. Right or not? Yes, ma'am. They make you do anything on the cost of that. Right? This is what his mother also did. She came near to him but halted. She stopped. Okay. And she didn't move from there. He was very near to her beak, but she didn't allow him to go. What did he do then? He dived at the fish. He finally jumped in the air. So when she was very close to him, she stopped. Okay. And this all happened. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. Now what is happening? Monstrous means huge. Monstrous means very huge. Seized here means? To stop him. To capture. Yes, to capture or to grip. Okay, grip. Still? Stopped. Motionless. When you stay still, that means you are motionless. Here, we all know here what is the meaning of here. That is listen. Okay. So shouting loudly, he fell outwards and downwards into the air. Then a huge terror gripped him. He was very much afraid. His heart stopped beating. He was not able to listen anything. But this happened for a very short time only. That the next moment, he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers. Then, under his stomach and against his wings,
He could feel the tips of his wings cutting through the air. This was a great feeling for him. Right? Next moment, he felt that his wings had spread outward. Khul gaye uske wings. The wind was flowing with speed against the feathers of his chest. Bird ke, birds hamesha opposite direction. Jo wind ka opposite direction hota hai, us side mein flow karte. Kyun karte? Because they are meant for that. Wo jo beak hai unka, that helps them to cut the air. And the wings help them to fly opposite to the wave. Okay. He felt that ends of his wings were pushing the air. Means that he had started moving his wings. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. Soaring, birds always soar in the sky. That means not flapping. When they are flying with the flapping of the wings. But what is soaring? When without movement, they bend their wings at the back and they move in the direction. That is soaring. Okay. Flying gradually. Gradually means slowly. Dizzy. Feeling of spinning. Spinning. So he was not falling to the ground on his head. What was he thinking? That as soon as ke, jaise wo udega, wo niche gir jayega aur mar jayega. This is what he was thinking in the starting. Hai na? Yes, ke ground se uska sar takrayega aur wo mar jayega. But aisa nahi hua. He was not falling to the ground on his head. He was flying slowly downward and outward. Now he was not afraid. He felt as if his head was spinning. Then he moved his wings and flew upward. Okay, now he is very much energetic. Okay. Ga 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 go oh, whatever it is. That's just a language. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. They both were so happy. He saw his two brothers and sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. It was so good, right? So swooped means? What is the meaning of swooped? Hello, everyone. Are you all there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rushed. Swooped means rushed, moved suddenly and quickly. Curvating. Leaping like a horse. Yes, flying up and down. Curvating means flying up and down. Banking. Flying with one wing higher than other. Rising up is banking. Soaring is flying. Diving, go down. Okay. His mother quickly moved ahead of him. Her wings were making a loud noise. He once again made a loud cry in happiness. His father made a loud noise while flying near and over him. He saw that his two brother and sister were also flying close to him. They flew up. They flew down. Sometimes they rose up. Flew straight and sometimes went down. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. So he was making loud noises and he completely forgot that he was thinking that he is not able to fly any day. Okay, and he was doing amazing. Commendable means? Commended himself means appreciated himself. Okay, shriek. It's a loud shout. Okay, then he completely forgot that once he did not want know how to fly. He appreciated himself that he was able to fly. He started to dive, soar and making curves. He gave a loud, sharp voice of happiness. Okay, he was near the sea now.
Okay. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. And he turned his beak sideways and cawed amusedly. Now here, cawed means sound of a bird or a crow. Amusedly, happily. Okay. Now he was near the sea. He was flying just above the sea and looking at the sea. He saw a very big sea of green color below him. Small waves were moving in the sea. He turned his beak towards his side and made a sound of happiness. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him. Yes? Calling shrilly, he dropped his leg to stand on the green sea. His legs sank into it. Now what happened? Ahead of means before. Okay. Beckoning, calling or signaling. Okay, his parents, his brothers and sisters were now sitting on that green sea before they reached there. They were signaling him to come there. He tried to put his leg on the sea to stand, but his legs went into the sea. Your mic is on. He screamed with fright. Huh? Dvisha, your mic is on. Nana, ye no kai kaam na tu. Dvisha, okay. Fine. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger. And he could not rise, exhausted by the strange exercise. Now, although he was enjoying, but as he has taken the flight after so much of hunger and he become weak. So what happened is he was not able to manage. Okay, fright here means fear. Fright means fear. Exhausted, completely tired. Okay, so he shouted because of fear and tried to rise again by flapping, moving his wings, but he was very tired and weak because of hunger. He was completely... Yes, Peter? Ma'am, he started flying, then why he was now afraid? He was not afraid because he suddenly took the flight and then he was enjoying it. So he was constantly flying. And after some time, when they were calling him, he was not able to manage himself because he got tired and weak because of hunger. Okay. Yes, ma'am. No, he was not able to manage to come back. That's why he got frightened. He was completely tired and because of the strange exercise called flying. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. He was floating on it and around him, his family was screaming, praising him, and their beak were offering him scraps of dogfish. Let me scroll it. He had made his first flight. Now, what had happened now? Scraps here means pieces. Okay. Belly, stomach. We all know belly means stomach. Dogfish is a type of fish. His feet went into the green sea because he was tired and weak. His feet went into the green sea. His stomach touched the sea. He was not sinking now. He was floating on the sea. His family members were around him. They all were shouting and appreciating him. They were offering pieces of dogfish to him in their beaks because finally, he had made his first flight. He had flown for the first time. He had taken his first flight. Okay? Understood, everyone? Yes, ma'am. Chapter is clear? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. So what you can do now, go through the chapter once again, read it thoroughly. Okay. And was the screen stopped? The presentation gone? Yes. Yes, ma'am. Just now it happened or earlier also? No, just now. Okay, okay, fine, fine, fine. So what happened that you have understood what happened and how it happened? Go through the chapter once again, read it. Wherever you find difficulty, underline it. In the next class, we will discuss about it and we will begin with the second chapter. Okay? Yes, ma'am. I hope you all have understood what exactly the gist of the chapter is. Yes, right? Yes, ma'am. Yes. Okay, fine. Chalo. Bye-bye. Take care of you. Okay? See you in the next class. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Hi, beta. Let us start now. Most of you have already joined. So let us start now. Okay, ma'am. I have made you the host. Okay, thank you. Okay. Sure. Camera on, please. Main toh waiting room ka darwaja khulla hai. क्रिश को जब भी बोलूंगी तो कैमरा तुरंत ऑन होता है पर अपने आप ऑन नहीं होता उसका बोलूंगी तो कर देगा ओके ओके अभी तो आप लोगों की कोई टेस्ट नहीं चल रही है ना क्या चल रही है मैम मेरी कल मैम कल ही संडे मतलब कल ही मैथ्स का टेस्ट था मैम हमारा तो एसएस का स्कूल में यूटी है पर सिलेबस मैंने नहीं पढ़ाया वो सिलेबस ही नहीं पता है पर हम स्कूल और हम साथ में ही चल रहे हैं पर उन्होंने ऑलमोस्ट होगा बेटा कोई मुझे लगता नहीं क्योंकि मुझे पता है नॉर्मली सीबीएसई स्कूल में व्हाट दे यूज्ड टू डू फर्स्ट चैप्टर चारों में से ले लेते हैं बहुत कम स्कूल होता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है कोई भी दो सब डिवीजन लेने को या तीन यस मैम मैम हमारे स्कूल में सिलेबस फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट में प्रेफरेबली फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट में दे प्रेफर टू हैव फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑल द आई हैव सीन दिस सिंस मेनी इयर्स सो इसीलिए मैं उसी पैटर्न से पढ़ा रही थी अब डेवलपमेंट आज खत्म हो जाएगा मेरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट तो चारों चैप्टर हो गए हमारे इसके है ना अब उसके बाद फिर हमें सोचना है कि आगे हमें क्या करना है हमें वो हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया वो चालू हो गया हाँ वही मैं भी ये सोची थोड़ा लंबा भी है और ऐसा चैप्टर है जिसमें रिविजन की काव्य कहती मत पढ़ा मैम मैम और वो नाइन्थ से जो फाइनल प्री मिड टर्म है ना मैम उसमें फेडरलिज्म और दूसरा ये हिस्ट्री दोनों चैप्टर्स है किसमें बेटा वो नाइन सेवन से हमारी एग्जाम है प्री मिड टर्म उसमें है फेडरल हिस्ट्री के 1-2 फेडरलिज्म पावर शेयरिंग डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज देखो अब नेशनलिज्म इंडिया पहले करवाऊंगी रीजन बता रही हूँ फेडरलिज्म इतना डिफिकल्ट नहीं है एक बारी के लिए तुम स्कूल में भी पढ़ लोगी तो मतलब 7 जुलाई तक तो बहुत जल्दी है अगर कुछ ऐसा होगा तो लेट्स सी बट मैं जब भी अब ये नेशनलिज्म स्टार्ट करूंगी तो उसको काफी टाइम लग जाएगा हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू पीपल हैव फेडरलिज्म तो पहले फिर फेडरलिज्म करवा दो वो 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा फेडरलिज्म मैम हमारे तो जियोग्राफी का 3-3 चैप्टर है एग्रीकल्चर लिया है तुम लोग सेंटर हेड्स को अपडेट करते रहना सेंटर पे अपने अपने नहीं मैम एग्रीकल्चर नहीं लिया फर्स्ट 3 चैप्टर और सेकंड और थर्ड चैप्टर में सिर्फ एमसीक्यू है हां क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस है उसमें से मैप और ऐसा ही कुछ आता है इसीलिए वाटर बॉडीज वाला बता रहे हो ना तुम मुझे चैप्टर यस मैम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज वाला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ तो इंटरनल चॉइस ऑप्शन होता है ज्यादातर स्कूल्स नहीं लेते वॉटर रिसोर्सेज में से ओनली मैप वर्क आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में मैम हमारा चैप्टर 2 और 3 सिर्फ एमसीक्यू है और चैप्टर 1 में ही क्वेश्चन आंसर है ठीक है चलो यस काव्य ऐसे तो बेटा मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी यस काव्य मैम वॉटर रिसोर्सेज में मैप वर्क और थ्योरी दोनों आने वाले आज ही बोला मैम वॉटर रिसोर्सेज में क्या है
थियोरी और मैप वर्क दोनों आने वाले। मैप वर्क तो लास्ट ईयर तक मैंडेटरी था, थियोरी में पहले कैसा करते थे बेटा, लास्ट टू लास्ट ईयर कोविड से पहले वाले साल में इंटरनल चॉइस होता था। इंटरनल चॉइस मतलब वो क्या करते थे, किसी एक यूटी में पूछ लेंगे, फिर बाद में नहीं पूछते थे। ऐसे दो तीन चैप्टर ऐसे हैं आपके बुक में जो इंटरनल चॉइस स्कूल के हैं, उनकी इच्छा हो तो फर्स्ट यूटी में पूछ लें, कोई क्लास टेस्ट दे सकते हैं, वो कोई असाइनमेंट दे सकते हैं आपसे उससे रिलेटेड, कोई ग्रुप वर्क दे के भी उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। इट शोज दैट दे हैव पार्टेड द नॉलेज। ऐसा फॉरेस्ट वाला चैप्टर नहीं है ना काव्या? वही तो कह रही हूँ, फॉरेस्ट लाइफ वाला चैप्टर नहीं है, वाटर रिसोर्सेज है, देख लेते हैं कि क्या है। एक एक करके करूंगी बेटा, सारे तो कर नहीं सकती, सो आई जस्ट एक बार फिर से। मैम एक्चुअली आवर मैम टोल्ड दैट वाटर रिसोर्सेज वी नीड टू डू इन लास्ट, बिकॉज इफ द सीबीएसई टू कैंसिलेशन देन इट वुड बी फेस। की प्रायोरिटी कम है, देखो आपके इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और मिनरल्स, ये चार चैप्टर एकदम इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? ठीक है, वाटर रिसोर्सेज एंड लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ऐसा ऐसा वाला चैप्टर है। मतलब लास्ट मोमेंट पे सीबीएसई कैंसिल कर सकता है इसको, इसीलिए मैं इसमें कूद नहीं रही हूं। आया समझ में? मैं वो चैप्टर ले रही हूँ जिसमें मुझे मतलब मैं 99% श्योर हूं कि सिलेबस रिड्यूस भी हुआ तो ये नहीं जाएंगे। इसीलिए नेशनलिज्म इन इंडिया ले रही हूँ, क्योंकि जैसे मान्या ने बोला फेडरलिज्म होगा, बट वो थोड़ा बहुत पढ़ेगी तो इट इज द रीकैप्सुलेशन ऑफ द चैप्टर सिविक्स का, 8 स्टैंडर्ड के चैप्टर्स का रीकैप्सुलेशन है, बहुत कुछ नया नहीं है फेडरलिज्म में। ठीक है, तो उससे फिर भी हो जाएगा, पर नेशनलिज्म इन इंडिया में थोड़ा सा लेंदी भी है और वेटेज ज्यादा है, इसलिए पहले वो लेने का सोच रहे। मैम सेम चीज हमारे क्लास टीचर ने भी बोली, उन्होंने भी यही चालू किया ये नेशनलिज्म। स्नेहा बोलो। मैम फेडरलिज्म का टेस्ट है 20th को। और ये पीरियोडिक टेस्ट है कि क्लास टेस्ट है? नहीं क्लास टेस्ट है। तो वो यू तुम मैनेज कर सकती हो उतना। चलो हमको कहां से कंटिन्यू करना है अब आज? रेड एंड येलो बोलो बेटा। हम हमारे स्कूल में बताया है कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज, ये दोनों बोर्ड के लिए नहीं आएंगे। हाँ बोल तो रही हूँ बेटा, तुम कहाँ थी, स्टोरी सुनाइए। यस और नो? आई टोल्ड यू दैट ओनली ना, वाटर रिसोर्सेज आएगा, उसमें से 1 मार्क का सिर्फ मैप आता है, तो बच्चे ज्यादातर वो चैप्टर पूरा ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास मैप में ऑप्शन होते हैं। ज्योग्राफी में आपको 3 ऑप्शंस होते हैं मैप, 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, ऐसे करके ए बी सी डी ई, इसमें से कोई भी 3 करने होते हैं आपको, तो उसमें एक वाटर रिसोर्स का होता है, तो बच्चे ज्यादातर वो ऑप्शन छोड़ देते, तो पूरा चैप्टर ओमिट कर सकते हैं ना बेटा। और आपको 2 कंपलसरी वाले हिस्ट्री के होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। समझ आया? पेपर पैटर्न पे इतना नहीं जाते हैं, अभी बोर्ड ने चेंज कर दिया तो मैं ला सकता। मुझे बताओ कि कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं? मैम करो। 10 मिनट निकाल दिए मैंने इसी में, कहां से करूं? मैम रेड एंड येलो सॉइल से बाकी है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैंने एक वर्कशीट भी शेयर की है, शो कल तक मिल जाएगी शायद तुम्हें। अरे अभी तो की है, क्योंकि मुझे पता था आज ये करूंगी, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगी, तो 1 घंटा निकल जाएगा। प्लीज बेटा अगली क्लास में वर्कशीट एक बार गो थ्रू करके आना, मैं पूरी शेयर नहीं करूंगी, सिर्फ डाउट सॉल्व करूंगी उसके। वैसे मुझे रेड एंड येलो सॉल्व तो हो गया ना? हाँ रेड एंड येलो सॉल्व तो आपने कर लिया था ना लास्ट क्लास। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं एरिड सॉइल में हूँ या फॉरेस्ट सॉइल में, मुझे लग रहा है मैंने वहां से छोड़ा था। मैम आपने सॉइल इरोजन और सॉइल कन्वर्सेशन से स्टार्ट करने को बोला था। ओके, तो मैं थोड़ा सा बिट कंफ्यूज हूँ। चलो सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आगे से बच्चे ही इतने ऐसे, मुझे लगता है आधे तो सो रहे कैमरा बंद कर। चलो वेटिंग रूम में डालना शुरू करती हूँ, हर्ष को डाल देती हूँ, रुद्र प्रजापति को डाल देती हूँ।
कैमरा बंद हुआ तो देख ले, तुम तो दिख ही नहीं रहे बेटा, हमको दर्शन ही नहीं हुआ। मनीत तो आज दिखा मुझे, हर्ष अभी दिखा, हर्षिल भी। हर्षिल तो पिछले साल भी इसने मुझे बहुत नेटवर्क इशू है। कौन बोला नेटवर्क इशू है? वेदा बेटा डेढ़ साल हो गया पढ़ते पढ़ते, अब तो नेटवर्क इशू को तुमको सेटल करना आ जाना चाहिए। प्रज्वल, यशवी, विधि, इन बच्चों को तो मैंने देखा भी नहीं है। आदि प्रिया मेरे को याद ही नहीं है। तनीषा, आदित्य, इनका चेहरा आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम फेसेस आल्सो एंड इट रिफ्लेक्ट्स योर रिजल्ट। ओके, सॉइल इरोजन, व्हाट इज इरोजन? दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म विच यू पीपल आर स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड सेवन, साइंस में भी पढ़ा होगा जब मिनरल्स और वो सब पढ़ते। इरोजन बताओ मुझे पहले, इरोजन क्या होता है? अभी तक तो मेरी टेक्निक तुम्हें समझ आने चाहिए, पहले मैं वर्ड को तोड़ती हूँ, उसकी मीनिंग समझती हूँ और फिर आगे पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, फिर भी तुम लोग अभी तक मेरी टेक्निक कोई नहीं समझा। यस काव्या बोलो बेटा। मैम इरोजन रिफर्स टू द फ्लोइंग ऑफ द टॉप सॉइल ऑफ द सॉइल। यस, इट्स लाइक इरोजन इज एन एक्शन which is like action of the surface process which might removes your soil, rock or which might disturb your upper level. Yes, there are many ways the soil erosion can be done. Your erosion is, it's soil erosion, they are damaging your upper layer. Okay, now तनीषा कैमरा बंद करो बेटा, सॉरी वो बंद करो माइक। हाँ तनीषा माइक बंद करो। द डैंडुनेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोशन। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डैंडुनेशन। ये पढ़ा होगा बट अभी तो ऐसा लग रहा है सबका के सब उड़ा हुआ है। मैम डिक्रीज। ओके वेरी गुड, anybody else who can add to this? This is, I'm not telling it's wrong but still it's not actually decrease only, it's wearing away, yani wearing away matlab toot phoot karke alag karna. Ek decrease matlab kya hota hai beta, itni cheez hai wo ghat ke itni ho gayi, isme ghat ke kam to ho raha hai but सब कुछ ऐसे फटफटा के या मतलब पूरा डिस्टर्ब होके और वॉश्ड अवे होके हो रहा है ऐसा। अब जो डैंड्यूनेशन होता है उसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। वाटर के थ्रू से अपर लेयर जा सकता है, विंड से जा सकता है, ग्लेशियर से जा सकता है, वेव से जा सकता है। यस, सो ये सब चीजें जब इस टाइप के एक्सटर्नल फोर्स आते हैं तो अप अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो हमें फर्टिलिटी रिगेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, या उसमें जो भी अपर लेयर में मिनरल डिपॉजिट्स हुए होते हैं वाटर से या उससे, वो तेज हवा इन सब की चीजें उस जगह से चले जाते हैं, उस जगह से चले जाने से डिक्रीज, तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। यहां डिक्रीज क्वालिटी से है, क्वांटिटी से नहीं है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। अंडरस्टूड? हाँ बोलो काव्य। मैम इरोजन और सॉइल इरोजन में डिफरेंस क्या है दोनों का? इरोजन सॉइल के अलावा और चीजों का भी हो सकता है, माउंटेन टॉप्स का हो सकता है, फॉरेस्ट का इरोजन हो सकता है, जब आप पूरे पेड़ वेड़ सारे काट देते हो, ठीक है। इट अल्टीमेटली फॉरेस्ट इरोजन इज रिलेटेड टू सॉइल इरोजन ओनली बिकॉज आप जब सारे फॉरेस्ट काट दोगे, बट बेसिकली व्हेन यू रिड्यूस तो सबसे पहली चीज कम क्या होती है? फॉरेस्ट कम होते हैं ना, उसके बाद उसका इंपैक्ट होता है सॉइल की फर्टिलिटी और क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, ड्राइनेस आ जाएगी, आपकी इको साइकिल को फर्क पड़ेगा, है ना, रेन पैटर्न को फर्क पड़ेगा। अच्छा, उसका इफेक्ट आपकी वाइल्ड लाइफ को फर्क पड़ेगा बिकॉज इट इज अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, सो वो सब साइड दूसरे इफेक्ट है ऐसा। ओके, सो डैंड्यूनेशन ऑफ द सॉइल कवर, कवर मीन्स अपर लेयर, ठीक है,
एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन. ये अंडरलाइन कर दो. वॉट इज सॉइल इरोजन एंड गिव द मेजर्स फॉर द सॉइल कंजर्वेशन. ये 3 marker या 5 marker क्वेश्चन आता है. ओके ना. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. Ab process of soil formation kaise hota hai? Formation of soil, layers pe layers aate hain, fertility. Ek taraf se jab river aati hai mountain se, minerals and everything laate hain. Jab plains mein aati hain, aake wahan deposit kar dete, to fertility increase ho jati. Ab kabhi kabhi wo river बाढ़ के तौर पे आती है और बहुत सालों से जो डिपॉजिट हुआ है उसको भी वॉश अवे करके ले जाती है, तो वो इरोजन हो जाता है. सो ये बैलेंस होता रहता है, सिस्टम कंटिन्यूटी है. और दे जब हमें लॉस कब होता है, जब इस बैलेंस में सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन में बहुत ज्यादा गैप हो जाए. अब अगर कंटिन्यूसली 3-4-5 साल तक बाढ़ आती ही रहेगी, ठीक है, हर साल वो रिवर कुछ डिपॉजिट नहीं कर रही बट कुछ ना कुछ लेके जा रही, तो क्या होगा 5-6-7-10 सालों बाद उस लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सामने से हमें कुछ मिला नहीं था, जो है वो भी जा रहा है. ऐसा तो प्रॉब्लम तभी आती है जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है. समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, construction and mining, etc. So ये human factors है, natural factor है flood और ये आपके human factors है. इसकी वजह से soil, causes of soil erosion में आप ये लिखोगे. यहाँ से start कर सकते हैं. The process of soil formation and erosion goes simultaneously and generally there is the balance between the two. Okay, then second point, sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation. जंगल काट दोगे तो long run में soil erosion होगा. अभी मैंने काव्या को वही समझाया. फिर ओवरग्रेजिंग, आप अपने कैटल के लिए कुछ अरेंज नहीं कर रहे हैं. आप साल में एक सीजन सिर्फ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, 2 सीजन आपका लैंड बैरन रह रहा है. अगर आप उसमें अपने क्रॉप्स के लिए फॉडर ग्रो कर दें, ठीक है, तो आपको ग्रेजिंग लैंड्स में छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसी को आप रख के खिला सकते हो ना अपने कैटल को. पर लोग ये सब एफर्ट नहीं करते, उनको ग्रेजिंग लैंड्स में छोड़ रहे हैं. और डे बाय दिस ओके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, हम मोर से मोर लैंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं एंड माइनिंग एक्टिविटीज, व्हाइल नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर्स एंड वाटर लेड टू सॉइल इरोशन. क्लियर हो गया यहां तक? नाउ द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल नोन एज गुलीज. अंडरलाइन दिस. फोटो दिया है देखो यहाँ पे, जब बहुत तेज पानी आएगा ना और मिट्टी पहले से बहुत गीली है ना बेटा, तो इतने फोर्स से जाता है ना कि वो उसको टुकड़ों टुकड़ों में काट देता और बीच में से चला जाएगा और वहां पे कहीं पे रॉक्स पेबल्स या कोई हार्ड पार्ट है उसको छोड़ देगा. जहां से जगह मिलेगी और थोड़ा सॉफ्ट जगह मिलेगी तो वहां से एकदम फट से निकल जाएगा. तो ऐसे गुलीज बन जाए. अब इससे क्या होता है, जगह जगह में खड्डे बन गए, ठीक है, अनइवन हो गया लैंड. और आपको पता है अगर अनइवन हो गया है तो यहाँ एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, तो आपका नॉन ये इसमें आ गया, नॉन एग्रीकल्चर में चला जाएगा. फिर मे बी नेक्स्ट ईयर फिर से रिवर पानी आएगा, मिनरल्स लाएगा, फिर वो लेवल सेट होगा, उसको मिलाएंगे. कभी कभी क्या होता है, ये जो गुलीज है ना 1 फीट की होती है, बट कभी कभी अगर बहुत ज्यादा है तो 2-3 फीट, तो आप डिस्टेंस समझ सकते हो, इतना नीचे से हाइट हो गया 3 फीट जैसा. इसको भरने में तो टाइम लगेगा ना बेटा, तो उतने साल के लिए वो एग्रीकल्चरल लैंड वेस्ट हो जाता है आपका. The land become unfit for cultivation and it is known as bad land or waste land. ये पहले cultivable land ही था, पर ऐसा हो गया तो अब हम इसमें cultivation नहीं कर सकते, तो ये हमारे net zone area से बाहर चला जाएगा, है ना? In the Chambal basin, such lands are called ravines. River ravines, हमने ravines वाला last year पढ़ा था physical features में. Water islands होते हैं, riverine islands. जो पानी ऐसे दोनों तरफ से चला जाता है और बीच में ऐसा आइलैंड टाइप का बन जाता है, बट ये ओशन वाला आइलैंड नहीं, ये रिवर्स की वजह से बनता है. ऐसे दोनों साइड से चला जाएगा और बीच में आइलैंड रह जाएगा. सो दैट इज नोन एज रिवर लाइन आइलैंड. समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप. अब कभी कभी बहुत चौड़ा एरिया होता है और जैसे शीट होती है ना बेडशीट,
ऐसे बहुत चौड़ा होगा और चौड़ा होने की वजह से, ब्रॉड होने की वजह से उतने सारे एरिया से वॉश्ड आउट होता है, मतलब उतने जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतने सारे एरियाज के टॉप मोस्ट लेयर के मिनरल्स वो लेके जाता है अपने साथ. सो मोर एरिया इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे. दिस इज नोन एज शीट इरोजन, क्योंकि बेडशीट जैसा बहुत ब्रॉड होता है, चौड़ा, एंड दैट इज शीट इरोजन. ये सारे वन मार्क प्रोमिनेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज और वो सब, इसलिए ये टर्म्स याद रखना और इसको क्या कहते हैं. ऐसा विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन, यानी हवा के थ्रू. विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ, बहुत तेज अगर हवा चलती है तो आपके घर के आसपास भी, अभी थोड़े दिन पहले जैसे वो साइक्लोन और वो सब आया था तो शुरू में हम जो धूल भरी आंधी बोलते हैं, सीधा ही तो पानी नहीं गिरता है ना कभी कभी, तो आप देखना जो ऊपर लेयर में जो ढीली ढीली लूज कुछ सॉइल ऐसे एकदम जॉइंट होता है, हार्ड होता है वो नहीं, बट ऊपर जो सूखी ड्राई ऐसी होती है वो सब उड़ा के ले जाता है. उससे क्या लॉस होता है, उसके साथ साथ लीव्स होते हैं जो नेचुरली डीकम्पोज हो जाएंगे, ट्विग्स होंगे, कई बार क्या होता है कि कुछ फूड गिरा होता है जो नेचुरली डीकम्पोज हो जाएगा, तो ये सब चीजें चली जाती हैं. तो क्या होता है कि ऊपर लेयर जो अभी शायद डीकम्पोज प्रोसेस में नहीं हुआ होगा बट धीरे धीरे होने वाला होगा, वो सब विंड के साथ चला जाता है, तो विंड खाली, वो लैंड खाली हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगा. So that is known as wind erosion. Soil erosion is also caused due to the defective methods of farming. Plowing in a wrong way, it means up and down the slope or form channels for the quick flow of water leading to the soil erosion. जो ploughing, plowing वाला जो system है, अगर वो थोड़ा भी गलत तरीके से हो जाता है, जो इनका proper pattern है, अगर उस pattern को हम नहीं follow कर पाते या properly नहीं करते, तो instead of penetrating waters and mineral inside, वो उल्टा लैंड को इस तरीके से हो जाता है कि उसके अंदर तक मिनरल्स, वाटर और ये चीजें पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, नीचे तक जाती नहीं, तो धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है. फ्लोइंग अलोंग द कॉन्ट्यूरल लाइंस कैन डेक्सिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप. अब ये कॉन्ट्यूरल लाइंस क्या है पहले ये बताओ, सब सुन तो लेते हैं पर कोई जैसे दिमाग नहीं लगाता है. मैम तो बैठी है, हम नहीं बताएंगे तो वो तो बता ही देती है ना, हम कोशिश नहीं भी करेंगे तो. आधे बच्चे पैसिव हैं इसमें, मैम जो ऑपोजिट वे से आती है. ओके, ऑपोजिट वे से आती है. Ma'am, to make lines in the edge of the slope. Okay, very good. Slope se bhi zyada, unhone kya bola hai? Flowing along the contoural lines can decelerate the flow of water down to the slopes. Yani wo jo slope se niche, aap jaise mountains pe terrace farming dekha hai aapne? Yes, ma'am. Aise aise hota hai, jo edge wali side hogi na, wahan pe kya karenge, wo thoda sa upar karke banate hain. खेत में भी पता है वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर साइड में बाउंड्री में बनाते हैं जिससे पानी बचा रहे और नीचे ना चला जाए या स्लो जाए, ऐसा. दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्यूर प्लोइंग. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टिवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन. इससे क्या होगा, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, अगर आप ऐसे ब्रेक बना दोगे ना बीच में तो थोड़ा थोड़ा पानी ना वहां रुक जाता है, स्पीड ब्रेक हो जाती है उसकी. हर्डल्स जैसे आप एक तरीके से कहीं से भी पानी कंटिन्यूस फ्लो कर रहा हो और आप उसके अंदर हर्डल्स बना दो तो क्या होगा, उसका फ्लो कम हो जाएगा और रुक भी जाएगा वो वहां पे. अब रुकेगा तो डेफिनेटली नीचे जाएगा. सो दिस इज द बेस्ट वे. और आजकल टेरेस फार्मिंग माउंटेन्स में इसीलिए करते हैं क्योंकि टेरेस के साइड ऐसे स्टीप होते हैं, अगर आप ऐसे ऐसे काट के टेरेस फार्मिंग कर दोगे तो सीधा आने की जगह वो सीढ़ियों की तरह ऐसे से आता है धीरे धीरे, तो उससे उसका स्पीड कम हो जाता है. जिससे हम कई बार फ्लड को भी रोक सकते हैं,
बारिश के टाइम, क्योंकि वो सीधा जाता नहीं है ना नीचे प्लेन्स में, वो ऐसे ऐसे टुकड़े टुकड़े में होके जाता है, फिर हमने कॉन्टूर लाइंस बना दी होंगी तो उसमें वो थोड़ा थोड़ा, जैसे सपोज आपका लैंड है, लैंड से आपने एक फीट ऊपर लाइन बना दी तो एक फीट जितना पानी पूरा भरेगा फिर ही वो धीरे से नीचे जाएगा ना, तो उतना पानी तो वहां रुक जाएगा ऐसे। तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय कम हो जाता है। हाँ, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, स्ट्राइप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, ये हमें विंड इरोजन रोकने के लिए। मैंने आपको वो दिखाया था ना एक कि ऐसे अगर फील्ड के चारों ओर आप अगर ट्रीज ग्रो कर दोगे तो वो विंड को रोक देगा ऐसे, तो उससे बहुत सारी चीजें हेल्प हो जाए। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे, रो ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, दीज शेल्टर बेल्ट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबिलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया। अब यहाँ ऐसा कुछ था जो नहीं समझ में आया तुम्हें? नो मैम। ओके, तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। मैम स्ट्रिप क्रॉपिंग पूछते हैं कभी कभार, पूछ बेटा पूछ, भरोसा नहीं, एमसीक्यू में आ, ये जितने पोर्शन में जितने हाईलाइटेड और ये वर्ड है ना डिफाइन में कम आएंगे, एक स्टेटमेंट दिया होगा, ऑप्शन दिए होंगे एमसीक्यू के, क्योंकि इसमें से आप किसी को भी ले लोगे ना, इनफ कंटेंट ही नहीं है वन मार्क लिखने जैसा डिफाइन। ठीक है, श्लोक बोलो बेटा। मैम लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. अब आप वहां जाते हो ना, किस, anybody has went to Jaisalmer? Yes. वहां पे वो लोग डेजर्ट सफारी के लिए। Yes ma'am. Yes ma'am. आप वहां जाओगे तो ऐसे छोटे छोटे ड्यून्स बने होते हैं, इतने जैसे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं रेत के। Yes ma'am. Yes ma'am. तो क्यों बनाए गए होते हैं या क्यों बने हुए होते हैं वो पहाड़, इतनी हाइट पे से ड्यून्स छोटे से बने होते हैं जिससे जब डेजर्ट में विंड का प्रेशर बढ़े और वो तेज हो तो ये सारा ड्राई सैंड उसके साथ उड़ के एग्रीकल्चर एरिया में सेटल डाउन ना हो जाए। ठीक है, वो क्या करता है, थोड़ी हाइट पे होता है तो हवा को रोक लेता है और वो वहीं गिर जाती। आपका जैसे हमारे यहाँ तेज आंधी तूफान आता है तो मम्मी कैसे दौड़ती है फटाफट, ये खिड़की बंद कर दो, ये दरवाजा बंद कर दो, ये कर दो, धूल आ जाएगी मिट्टी, क्यों, क्योंकि वो नहीं आने देना चाह रही है ना, उसको ब्लॉक करना चाहती है। इसीलिए सेम वे सैंड ड्यून्स हेल्प करते हैं। अब क्योंकि अगर वो ड्राई सैंड आपके एग्रीकल्चर लैंड पे आकर सेटल्ड हो गई तो क्या होगा, वो नीचे मिनरल या वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देगी, या ऑलरेडी जो क्रॉप्स छोटे छोटे हैं या प्लांटेशन हो रखा है अब उसके ऊपर लेयर पे आ गया तो जितना भी पानी डालोगे वो अच्छे से अंदर नहीं जा पाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। हाँ स्नेहा, स्नेहा ये कॉन्टर प्लगिंग और स्ट्रिप्स क्रॉपिंग का के बीच में डिफरेंस? हाँ, स्ट्रिप्स में प्लेन लैंड में भी बेल्ट बना सकते हो आप, डिवाइड कर सकते हो आपके खेत को, आप ऐसे लाइंस कॉन्टूर लाइंस बना के ऐसे स्ट्रिप्स की तरह डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टूर लाइंस मतलब वो ऐसे हर्डल बनाना है। ठीक है, अब ये टेरेस फार्मिंग में भी हो सकता है, प्लेन लैंड में भी कर सकते हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बाढ़ ज्यादा आती है या नेचुरल वाटर के टाइम पे ओवरफ्लो हो जाता है मेरा फील्ड और मैंने मिनरल्स डाल के रखे या कोई फर्टिलाइजर या मैन्योर डाल के रखा है तो बहुत तेज पानी आएगा तो क्या होगा बेटा, इधर से बह के जिस साइड में आपके लैंड का स्लोप होगा तो सारा पानी चला जाएगा, ऊपर का लेयर सारा ले लेगा वो। पर कॉन्ट्यूर लाइंस आपने स्ट्रिप स्ट्रिप्स करके सपोज 10-10 फीट के गैप में बना के रखे तो वो पानी को होल्ड करके रख लेगा ना वहां पे, उसकी स्पीड कम कर देगा इसलिए। और मैम स्ट्रिप्स क्रॉपिंग, वही तो मैंने समझाया कि स्ट्रिप्स में क्रॉपिंग करोगे इंस्टेड ऑफ बिग लैंड। कॉन्ट्यूरा लाइन हम बनाते हैं मिट्टी के ढेर जो टेरेस फार्मिंग और स्ट्रिप क्रॉपिंग में यूज होते हैं टू होल्ड द वॉटर फ्लो। टेरेस फार्मिंग माउंटेन में होते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कैन बी इजिली डन इन द प्लेन्स एज वेल, जहां पे आपको डाउट हो कि ये फ्लड एरिया है या यहाँ पे विंड का प्रेशर ज्यादा रहता है। हाँ मान्य,
मैम एक क्वेश्चन था, व्हाई इज ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रिग्रेस सॉइल. व्हाई इज ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल. रेगुर सॉइल. यस मैम. एक मिनट, स्कूल में पूछा है क्या? नहीं मैम, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना मेरे पास उसमें है. ओके. मतलब प्रीवियस ईयर बुक्स हैं तो काफी क्वेश्चन लिखे रहते हैं उसमें ऑलरेडी, तो मैम उसमें क्वेश्चन है, उसका आंसर नहीं है कहीं पे भी. बस फर्स्ट लाइन में इतना ही दे रखा है कि दिस सॉइल इज ब्लैक एंड, मैम फर्स्ट लाइन में दे रखा है ब्लैक सॉइल के कि दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आल्सो नोन एज रेगुर. हां तो वो वही कि रेगुलर सॉइल क्यों पूछ रहे हो, वो उसको पूछ, मैं वही देख रही थी कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा है. See, black soil is also known as regular soil. Actually, ये जो area है आपका, अगर आप इसका climate और ऐसा सब देखो तो इसमें mostly lava और वो सब आता है. ठीक है, lava penetrate होता है, volcanic eruptions हैं यहाँ पे इस plateau में, क्योंकि Deccan plateau में पड़ रहा है. ठीक है, एक चीज तो ये हो गई. दूसरा, ये Deccan plateau में हो जाने की वजह से या इसको ये नाम सिर्फ इसीलिए दिया गया है कि रेगुर सॉइल इट्स लाइक इट इज अ डकन प्लेट्यू एंड दिस एरिया इज बेसिकली अ ट्राइबल एरिया. फॉर देम द क्ले सॉइल इज हैविंग दैट नेम, जो ब्लैक सॉइल का है. ब्लैक सॉइल इज लिटिल बिट क्ले टाइप ऑफ थिंग. यस, तो ये वहां का लोकल नेम है. जो नॉर्मली सिर्फ वहीं के लोग रिस्ट्रिक्ट होके यूज करते हैं. वैसे बाहर जाओगे तो आपको अराउंड द वर्ल्ड यू विल फाइंड ब्लैक सॉइल, बट नॉर्मली रेगुर सॉइल इंडिया में हम ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज दिस इज यूज्ड बाय ट्राइबल पीपल द वर्ड रेगुर. सो मैम वी कैन राइट दिस नेम इज लोकली गिवन बाय द ट्राइबल पीपल लिविंग देयर और फिर डेक्कन प्लेटो वाला. हाँ, आराम से. ठीक है, अब ये चैप्टर हो गया है, लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. जस्ट अ मिनट. Everybody sit with your books. Okay. चलो MCQ शुरू करें पहले. मैम. हाँ बोलो. मैम once can you please explain bullies? बेटा गुलीज मतलब कैसा होता है कि कभी पानी जब बहता है और कुछ कुछ एरियाज में लैंड में थोड़ा सॉफ्ट एरिया होता है और पानी जब फ्लड या कुछ आता है तो उसका फ्लो बहुत ज्यादा होता है. तो फ्लो ज्यादा होने से जब सैंड आपके लैंड जो एग्रीकल्चरल लैंड सॉइल है उसके अंदर जब वो वेटनेस ज्यादा हो या ड्राइनेस ज्यादा हो तो उसको जगह मिलती है, तो वो बहुत नीचे तक जाके कट कर देता है जगह को. सो आपका जो प्लेन सैंड होता है वो टूट जाता है. गुलीज मतलब गली जैसा बना देता है, छोटी छोटी गलियों जैसा लैंड में. वो पिक्चर के में भी आप देख सकते हो. यस मैम. पतली पतली गली. सो दैट इज गुली. उससे क्या हो जाता है, वो लैंड अनइवन हो गया. सपोज इतने इतने गैप में दो दो तीन तीन फीट नीचे तक खड्डा जैसा हो गया तो अनइवन हो गया. तो आप सोच सकते हो वहां एग्रीकल्चर कर सकते हो आप? नो मैम. सो अनफिट हो जाता है. ये पानी के प्रेशर की वजह से जो लैंड या तो उस लैंड में एयर बबल्स ज्यादा हो या वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो तो उतनी जगह कट जाती है. क्योंकि पानी से आप मिट्टी में भी डाल देखोगे ना, कोई जगह बहुत देर तक पानी डालोगे तो कई जगह से मिट्टी बहुत जल्दी निकल जाती है. कुछ जगह में वो मिट्टी जहां पे एकदम आपस में बंधी हुई होती है उसको टाइम लगता है टूटने में और वॉश अवे होने में. ऐसा द रनिंग वॉटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल. क्ले सॉइल कैसा होता है, जो ब्लैक सॉइल में हम यूज करते हैं. गर्मियों में अगर एकदम ड्राई हो जाएगा और
जब पानी पड़ेगा तो बहुत चिकना हो जाएगा, ऑलरेडी एक बारिश हो गई वो जब क्ले ही हो जाएगा, अब दोबारा बारिश बहुत ज्यादा हुई और फ्लड आया तो फ्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो वो तोड़ देता है उसको बीच में से, क्योंकि ऑलरेडी वो नरम होता है ना बेटा, yes, इसलिए. ठीक है, शुरू करें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर्स. अगर आज खत्म हो गए तो वर्कशीट लूंगी नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी वर्कशीट में, फटाफट निपटा दूंगी. मैम अभी वर्कशीट आई है मैम ग्रुप के अंदर, आनी तो चाहिए, मैंने दी थी पर मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी देने में, मुझे 12 एक बजे ही दे देनी चाहिए थी, बट आई वॉज बिट बिजी इन द मॉर्निंग तो मैंने ही थोड़ा लेट दी, तो तुमको लेट लेट मिल रही है, पर मुझे लग रहा था कि आज ये चैप्टर है. ओके चलो मल्टीपल क्वेश्चन स्टार्ट करो, हु विल स्टार्ट फर्स्ट 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 मैम कैन आई सी द फर्स्ट अन्या फर्स्ट स्नेहा सेकंड काव्या थर्ड मनीत फोर्थ फर्स्ट आंसर नॉन रिन्यूएबल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर डी द आंसर करेक्ट इज नॉन रिन्यूएबल सेकंड मैम Under which of the following types of resources can tidal energy be put? Human electric energy. A replenishable मतलब वो renew कर सकते हो आप. Electric कहाँ से word ही नहीं उसमें electric. Replenishing abiotic human made and non recycled. क्या हो गया आर्य को आज? काव्य Which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? Over irrigation. Over irrigation. Number C is the correct answer. Manit. Bansi next. Manit. Gayab ho gaya. Yes, ma'am. Bansi, number fourth padho to. उत्तराखंड बिकॉज पंजाब हरियाणा में नहीं होगा, प्लेन्स ऑफ प्लेन्स में तो होगा ही नहीं टेरेस कल्टिवेशन, है ना, उत्तराखंड में ही माउंटेन्स ज्यादा है. नेक्स्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ब्लैक सॉइल फाउंड गुजरात ही इज द करेक्ट आंसर गुजरात बिकॉज हमारे यहाँ कॉटन प्रोडक्शन भी ज्यादा है इसकी वजह से मैम गुजरात ऑप्शन में नहीं है मैम गुजरात मैम महाराष्ट्र है ना ऑप्शन में मैम गुजरात ऑप्शन में नहीं है मैम गुजरात नहीं है तुम्हारे उसमें ऑप्शन नहीं मैम मैम राजस्थान है जम्मू कश्मीर है महाराष्ट्र है झारखंड है बेटा मेरी पुरानी बुक में गुजरात दिया है ना गुजरात तुम महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र कर दो मेरी पुरानी बुक है बेटा उसमें ना दिया है इसलिए मैंने वो पढ़ा ठीक है चलो नेम थ्री स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इट स्नेहा महाराष्ट्र गुजरात और छत्तीसगढ़ आर द थ्री स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप मेनली ग्रोन इन इट इज कॉटन कॉटन ओके पर बेटा पूरा सेंटेंस बना के अच्छे से लिखना एग्जाम में Which type of soil is found in the river deltas of eastern coast? Give three main features of this type of soil. River deltas of eastern coast. Manya. Ma'am, alluvial soil. Three is main found in the deltas of... Pura likhna padega, beta. Ek question hai. Alluvial soil is found in the deltas of river Mahanandi, Godavari, Krishna and Kaveri on the eastern coastal plains. Pura likhna hai. Now the main feature of alluvium soil. क्या क्या features हैं इसके? It is very fertile. These three rivers transport the soil having minerals. मैम दो यार. मैम highly. आप बहुत आराम से लिख सकते हो. It contains different proportion of sand, silt, clay. It is very fertile. It contains proportion of potash, lime and phosphoric acid. वो एलुविलियम सॉइल वाले पैराग्राफ मैंने तुमको पहले ही बोला था एलुविलियम सॉइल इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे ठीक है मैम इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग शुगर केन वीट एंड पैडी यस इट इज एल्कलाइन एंड रिक्वायर्स प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन इन द ड्रायर एरियाज आप जितने मैक्सिमम पॉइंट्स इससे रिलेटेड लिख सकते हो लिख देने काव्या बोलो
Ma'am, in this, can we write that the features are the high fertility, then the intensive cultivator, and it is densely populated. डेंसली पॉपुलेटेड बेटा, अब इसमें आपको वो सब चीजें ऐड करनी है. ये वाला भी नीचे जो पैराग्राफ दिया ना, एलुविलियम सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, है ना. ये डाला फीचर्स, मतलब उसकी क्वालिटी होती है. इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हाईली पॉपुलेटेड, ये है. बट अगर टिपिकल मैं सॉइल की क्वालिटी बोलूं तो ये है ना बेटा, वो तो प्लेन्स की क्वालिटी हो जाएगी. ठीक है, तो उसको मत भूलना ऐड करना. और कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, और ये पोटैश, फॉस्फोरिक और एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम भी. नाउ व्हिच स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज. अभी हमने हिली एरियाज का ही पढ़ा. मैम टेरेस फार्मिंग, कॉन्टर लिख के छोड़ दो, पुत्ता लिख के छोड़ दो. ये तो एकदम आंसर आ रहे हैं, तो टेस्ट में भी आंसर एकदम शॉर्ट में लिखते हैं, फ्रेजेस में. मान्या बोलो. मैम कैन आई स्पीक नाउ, पूरा आंसर. एक मिनट रुक जा. अब मान्या बोलो. मैम आवाज आ रही है? हाँ मैम. पहले रिस्ट्रिक्ट द ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स. Second, counter farming and terrace farming and afforestation. देखो अब grazing वाला point hilly areas में नहीं आएगा. सुनो, इसमें specify किया soil erosion in hilly areas. ठीक है ना, तो बहुत आराम से जाएंगे. आर्या तुम try करो. Yes ma'am. The steps can be taken to control soil erosion in hilly areas are: stop afforestation, increase terrace farming. Okay. अब सबसे important पहला point, अब good, well tried, at least odd question था, routine का straight away question नहीं था, you people tried a lot. Okay. Now first step, contour plowing to reduce the flow of water down the slopes. Yes. सबसे पहला वो करेंगे हम, contour बना देंगे. ठीक है. ओके, डूइंग फार्मिंग और प्रमोटिंग मोर एंड मोर टेरेस, एग्री टेरेस फार्मिंग टू रिस्ट्रिक्ट द सॉइल इरोशन. ओके, देन प्लांट द ट्रीज इन अ रो और अ शेल्टर बेड्स आल्सो टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ द विंड. ये इतना काम करेंगे तो हो जाएगा. यस मनीत. मैम कैन यू एक्सप्लेन स्ट्रिप फार्मिंग? Yeah. Can you please explain strip farming? Where were you? You were not in the class. Mane or Sneha, somebody asked me strip farming. Pucha tha na bhi kisi ne, 10 minute pehle hi mujhe. Sneha, can you repeat it? What is strip farming? Ma'am, strip farming method is used to break down the wind. Break down the wind farming, pressure. Yes. क्योंकि क्या है, विंड एंड वाटर प्रेशर बोथ. एक तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बना रहे हैं, साइड में कॉन्ट्यूरा बना रहे हैं, तो पानी भी रुक जाएगा और विंड प्रेशर भी रुकेगा. आप इस स्ट्रिप फार्मिंग में ऐसे भी कर सकते हो. देखो एक मिनट ना बेटा, मेरा मार्कर कहाँ. सपोज ये मेरा फील्ड है, ठीक है, ये मेरी एग्रीकल्चर की जगह है. मैंने ये एक स्ट्रिप बनाया बीच में पतला, ऐसे बना दिया, तीन स्ट्रिप बना दिए. आया समझ में? अब इसमें मैंने कॉन्ट्यूरा बना दिया, तब भी पानी रुक जाएगा यहां पे, इधर से इधर जाने में फ्लो में फर्क पड़ेगा. और अगर मैं यहां पे कॉन्ट्यूरा थोड़ा सा बना के ट्रीज बना दो, तो ये ट्रीज ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो भी फ्लो रुकेगा, क्योंकि रूट्स फैले हुए होते हैं इनके, और ये गैप कम हो जाता है, वरना ये सीधा गैप हो जाएगा. दूसरा, अगर आप ट्रीज ग्रो करोगे तो विंड को भी कंट्रोल कर पाओगे. यहां से सीधी हवा चल रही है, बट एक दो तीन बैरिकेड्स आ गए, काफी सारे पेड़ आ गए थोड़े,
तो वो विंड कई बार क्या होता है बेटा, जैसे अभी साइक्लोन आया, बहुत सारे मैंगो का नुकसान हो गया कच्छ और उस साइड में, क्यों? हवा तेज थी तो जो रेडीमेड फ्रूट थे वो क्या होता है कई बार गिर जाते हैं, पूरे अच्छे रेडी नहीं हुए थे पर गिर के खराब हो जाते हैं ना। ऐसे आपका कभी कभी पैडी रेडी होता है आगे, वीट रेडी होता है, बहुत तेज आएगी तो अभी एटलीस्ट मतलब ऑलमोस्ट 80%, अब वो क्या होता है सारा जमीन में गिर जाता है। नॉर्मली तो वो लोग हार्वेस्ट करके फिर थ्रेशिंग करते हैं, अब सारा मिट्टी में मिल जाएगा तो अब क्या करोगे, खराब हो जाएगा ना वो आपका। पर अगर आपके ऐसे ट्रीज होंगे तो ये विंड को भी कंट्रोल करता है। Yes, understood. So these both are taken as a strip farming. Okay. Next question. Write about biotic and abiotic resources. Give some examples. वो आपकी बुक में दिया है, उसको मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। Biotic, abiotic clearly mentioned है और examples भी दिए। मैम एक doubt था मेरे को। हाँ। मैम जो अभी आपने explain किया कि मैम trees को भी लगा सकते हैं, तो मैम वो लगा सकते हैं? मैम आपने बताया ना कि barricades के आप हम लोग trees को भी लगा सकते हैं, plant कर सकते हैं। तो मैम वो भी तो मैम उसी सॉइल में से मैम फर्टिलिटी और वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो मैम जो उग रहे होंगे मैम, जो क्रॉप्स उग रहे होंगे, तो मैम उनको थोड़ा कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैम रूट्स फैल जाती है। वो चीज भी उगा सकते हो, सुनो आप यहाँ पे वो भी चीज उगा सकते हो जो आपके कैटल के लिए फॉर्डर हो, फ्रूट्स के ट्रीज उगा सकते हो। फर्टिलिटी बेटा सॉइल में फर्टिलिटी तो है ही है ना, फर्टिलिटी का तो इश्यू ही नहीं, ये हम फर्टिलिटी अगर आप ये कॉन्टूरा नहीं बनाते और सीधा रखते तब भी तो यहाँ पे आप अनाज तो उगाते ना। क्योंकि अगर पेड़ रहेगा बेटा तो पहली चीज बहुत सारी चीजें हेल्प होती है। देखो अगर बड़ा पेड़ रहेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा तो नीचे ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। सेकंड थिंग, उसके जो ड्राई लीव्स ट्वीग्स और वो सब जो नीचे गिरेंगे वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करेंगे, ड्राई होके डीकम्पोज हो जाएंगे ना अंदर। yes. नहीं yes. Yes, तो फिर तो वन साल से ज्यादा हेल्प करेगा हमें। बोलो मैम, सनलाइट आना थोड़ी बहुत कम नहीं हो जाएगी ट्रीज की वजह से? नहीं 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 बेटा, इतने बड़े आप कोई नीम और पीपल ट्री जैसे बड़े नहीं उगा देते हो यहाँ पे कि जिसके नीचे आने से सनलाइट कमजोर हो जाएगी, ऐसा ऐसा परसों पुराना बरगद का पेड़ ऐसे उगा के बैठ गए हो कि हाँ भाई सारा खानदान आके बैठ जाए उधर नीचे उसके, ऐसा नहीं होता है। आया समझ में? और कई बार खाली बड़े बड़े वो ग्रासेस ग्रास और बुशेस भी उगाए होते हैं जिससे वो लोग फॉर्डर बना सके, आया समझ में, जानवरों का चारा बन सके। अब जब इतने टॉल टॉल ग्रास होते हैं और बैक टू बैक अगर यहाँ लगे हुए हैं तो विंड को कंट्रोल कर पाएंगे? यस मैम। अब मैं आगे चलूं? यस मैम। नाउ answer the following question in about 120 words hai aapka. Explain land use pattern in India. Why has the land under forest not increased much since 1960-61? Kahan jana hai land use pattern mein chale jao seedha kood ke. Ma'am wo pastoral grazing wala na? Land use pattern wala pura hi hai na? अब किसका देखो, ये पेज है ना आपका पेज नंबर 6, हम पेज नंबर 5 पे है लास्ट। हाँ पर उसमें तो बेटा सिर्फ आपको टोटल इंडिया का एरिया दिया है, तो लैंड यूज पास्चर पैटर्न में आपका ज्यादातर आ जाएगा लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर्स है ना। मैम देन नेट सोन एरिया क्या बोल रहे हो? नेट जोन एरिया। हाँ उससे पहले देखो लैंड यूज पैटर्न में बेसिकली हमारा लैंड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका ऊपर टेबल दिया है 5 पार्ट्स वाला, फॉरेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टीवेबल लैंड, फेलो लैंड्स एंड नेट जोन एरिया। ये आपका लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न हो गया है ना, यूज और यूटिलाइजेशन पैटर्न एक ही होता है ना मैम। नहीं ऊपर हमारा वो पाई चार्ट भी तो दे रखा है जनरल लैंड यूज कैटेगरीज इन 1960 एंड 61। बेटा वो पाई चार्ट कितना डिफिकल्ट होगा एक्सप्लेन करना, वो पाई चार्ट आपको कंपैरिजन करने को दिया है उन्होंने, दे हैव गिवन दैट पाई चार्ट टू कंपेयर इट।
अंडरस्टूड के फ्रॉम 1916 टू दिस मेनी इयर्स व्हाट इज द डिफरेंस वी आर नॉट योर क्वेश्चन इज सिंपल एक्सप्लेन द लैंड यूज पैटर्न तो हमारा लैंड यूज पैटर्न है हम टोटल जितना भी लैंड है वो इस फाइव कैटेगरीज में यूज करते हैं फ्यू परसेंटेज है फॉरेस्ट में हमको यहाँ डिटेल नहीं मांगा कितने सिर्फ उसने नाम पूछे किस किस कैटेगरी में हम यूज करते हैं इसमें आप सब टॉपिक नहीं भी लिखोगे तो एक बार के लिए चलेगा फॉरेस्ट है ना देन यू कैन एड इट एग्रीकल्चरल लैंड अब देखा जाए तो एग्रीकल्चरल लैंड में आ गया आपका फैलो लैंड और नेट सोन एरिया ठीक है पास्चर्स एंड ग्रेजिंग ग्राउंड है ना एंड वेस्ट लैंड मेरा मानो तो ये चार कैटेगरी में एकदम इनफ है एग्रीकल्चरल लैंड फॉरेस्ट लैंड पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड एंड वेस्ट लैंड अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो नॉन कल्टिवेबल है और अदर देन अनकल्टिवेबल ये बहुत डिटेल में दिया है आप अगर ये चार इंडिया में जितना भी लैंड अवेलेबल है वो ये चार तरीकों में डिवाइडेड है एग्रीकल्चरल लैंड है ठीक है उसमें सब आ गया आपका फैलो लैंड आ गया और फिर आपका नेट सोन एरिया आ गया आपका ग्रॉस क्रॉप एरिया आ गया वो सब आ गया ना इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फिर सेकेंडली आपको क्या पूछा गया है सेकेंड हो गया आपका फॉरेस्ट हो गया थर्ड हो गया पास्चर्स एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गया एंड द लास्ट वन इज वेस्ट लैंड जो हम वेस्ट लैंड इन द सेंस हमने जिसको नॉन एग्रीकल्चरल कर दिया है जो हम और किसी तरीके से यूज कर रहे हैं ठीक है सो ये हो गया सेकेंड पार्ट व्हाई हैज लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61 सो देन कम टू दैट पेज नंबर 6 Yes, forest area in the country is so far lower than desired 33% of geographical area and it was outlined in the National Forest Policy. Yes. Then, नहीं दे रखा है कि forest. क्या नहीं दे रखा है? कि मैम forest का area बढ़ा क्यों नहीं है 19 बेटा वो इस पैराग्राफ में दिया है कि हमने नहीं बढ़ाया है क्यों रीजन देखो वहीं दिया हुआ है यू नीड टू गो थ्रू इट सी इट वाज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन इट अ पार्ट ऑफ द लैंड इज डिटरमाइंड ये आपको क्या दिया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से दिया अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे यहाँ पे आपका 1960-61 में फॉरेस्ट दिया है कितना फॉरेस्ट दिया आपके 1960-61 में ठीक है अब और अभी करंट में कितना फॉरेस्ट हुआ है मैम अभी करंट में हुआ है 23.3% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है 2014 टू 2015 का मैम ये है कितना बढ़ा है 5% जैसा हाँ यस मैम अप्रोक्सली 4-5% ओनली एंड नंबर ऑफ इयर्स कितने ज्यादा हैं ठीक है 1960 के बाद ये लैंड आप पाई चार्ट से आपको आंसर लिखना है ओके So, if we compare after 1960 to 61, यहाँ question में क्या why has the land under forest not increased much? Much word है यानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है समझ आया ग्रोथ पैटर्न कम है ठीक है हमको उसके रीजन देने रीजन्स क्या हो सकते हैं The land under forest has not increased much since 1960-61 because of the following reasons. One minute, let me finish this then. Indiscriminate cutting and felling of the trees to make the way for agriculture or to feed our population. ठीक है ये एक major reason है कि हमारा forest नहीं बढ़ा है मैम वो चार्ट गलत है क्यों चार्ट गलत है मैम वो वैल्यूज गलत बोली क्योंकि फॉरेस्ट एरिया 1960 में 3.5 है और अभी 3.6 है नहीं 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 वो गलत है तुम गलत कलर कोडिंग देख रहे हो नहीं मैम जो उन्होंने बोला है वो परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड है
नहीं नहीं फॉरेस्ट है बेटा, ब्लू कलर मेरे पास भी तो बुक है ही है ना, मेरा सिर्फ डेटा थोड़ा सा पुराना है। डार्क ब्लू फॉरेस्ट के लिए है और जो परमानेंट के लिए वो तो पर्पल कलर में है 4.71% वाला। ठीक है तो भी अगर उन दोनों को भी कंपेयर करोगे तो परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है अब मेरी बात सुनो आप, 4.7% नहीं 3.50% वाला बेटा वो नहीं है, जो तुम देख रहे हो वो नहीं है। ठीक है लेट मी फिनिश, वो फेलो एंड अदर करंट फेलो लैंड है वो वाला। मैं अब मेरे को जो तीन पॉइंट्स देने, विल यू लिसन टू मी नाउ, योर डेटा डजंट मैटर, डेटा आई गेव यू टू अंडरस्टैंड कि ये ग्रोथ पैटर्न बहुत स्लो है, उसके रीजंस खाली पूछे, कितना एग्जैक्ट परसेंटेज बढ़ा वो आंसर में कुछ नहीं लिखना है, तुम्हें याद भी नहीं रखना है उसको। मैम आई हैव डाउट, आई हैव मैसेज यू, मैं देख लेती हूँ एक मिनट। किसने मैसेज किया है मुझे? साक्षी मैम आर यू इन द मीटिंग? साक्षी मैम साक्षी मैम इज नॉट देयर। हाँ मैम साक्षी मैम शी इज नॉट देयर इन द मीटिंग। ओके शी इज नॉट बिकॉज अर्लियर शी हैज जॉइंड, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग। चलो मैं उसको तो पहले कंटिन्यू करके आंसर। ओके द थ्री रीजंस फॉर लैंड नॉट इंक्रीज अंडर द फॉरेस्ट आर इंटेंसिव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन फर्स्ट पॉइंट, लार्ज स्केल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैव सबमर्ज्ड फॉरेस्ट एंड ट्रीज। ये आंसर वो जो फॉरेस्ट रिजर्व्स वाला पैराग्राफ है उसको पढ़ोगे तो खुद बनाना है। Indiscriminate cutting and felling of the trees to make way for agriculture and feeding our population. So main hai increasing population, industrialization and urbanization, and too much greed to growth and development. Last question hai, how have technical and economical development led to more consumption of resources? Ye bhi creative question hai, khud banana hai. Technical development and industrialization need more resources for goods to be produced quickly and easily to make our life more comfortable and stable. Today, we with the development of technology, goods became absolute and very fast. Yeah, and latest upgrades and economic development are the only source with the resources. Green revolution was only possible with the development of technology and irrigation facilities. ये क्वेश्चन अगर ऐसा है तो नेक्स्ट क्लास में डिक्टेट करवा दूंगी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम या विद द वर्कशीट। एक बार वर्कशीट देख कर मैं बहुत फास्ट जाऊंगी एंड आई विल स्टार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके बाय चिल्ड्रन, बाय मैम, बाय मैम।